रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया रे, एक बार कंफर्म करोगे? यस ओके सर, ठीक ठीक है सर। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस डिस्कस करेंगे सर। कॉन्स्टिट्यूशंस में भी थोड़ा सा बातचीत करना चाहिएगा, मतलब चाहिए। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशंस का ओवरव्यू दे दिया सर प्रीवियस लेक्चर्स में, मतलब प्रीवियस वीक में। तो आपको ओवरव्यू तो मिल गया कॉन्स्टिट्यूशंस का, पर अभी मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशंस रिलेटेड कुछ मतलब हार्डकोर मैटर भी डिस्कस करूंगा। यस मिसेस बैनर्जी, गुड गुड मॉर्निंग। গুড মর্নিং স্যার, সরি স্যার একটু দেরি হয়ে গেল। না ঠিক আছে, আমি জাস্ট স্টার্ট করছি, একদম ঠিক টাইমে জয়েন করেছেন। ওকে ওকে, তো বেসিক্যালি আজ কনস্টিটিউশনস মে ওভারভিউ আর নেই দুঙ্গা, মে আজ আপ লোগো কো কনস্টিটিউশনস পে অ্যানালাইজ করুঙ্গা। ঠিক হ্যায়, মতলব থোড়া ডেপথ মে জানা হ্যায়, কুছ ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার্স কো লেকে ডিসকাস করনা চালু করেঙ্গে। স্যার, সংবিধান কা নলেজ সবকো হোনা চাহিয়ে। ভারত কা সংবিধান জো হ্যায়, এই ভারত কা আজ কে ডেট মে, মডার্ন ডে মে, এই ভারত কা পুঁজি হ্যায় স্যার। মতলব কোই ভি দেশ চলনে কে লিয়ে, কোই ভি কন্ট্রি চলনে কে লিয়ে না, উসকা जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पुराने समय में हमारे देश में, अगर मैं थोड़ा पुराने समय का बात करूँ, जब भारत का गोल्डन डेज हुआ करता था, तो उन दिनों भारत में जो हमारा जो लॉ का किताब होता था, ठीक है, देश चलाने का, जैसे अगर आपको मैं चाणक्य के टाइम का बात करूँ, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के समय में हमारे देश में अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक बुक्स जो आचार्य चाणक्य ने बनाया था, जो पूरा भारतवर्ष को कंट्रोल करने के लिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग डिस्कस किया जाता था, और उसी के बेसिस में राजा फॉलो करके देश को कंट्रोल करते थे, फॉरेन एनिमी के साथ समझौता करते थे, एवरीथिंग, जो भी बातें हैं देश के अंदर, लोग कैसे रहेंगे, हर बात उस पर लिखा होता था। इस तरह से उससे भी पुराना बात, मतलब अगर मैं 5000 साल पुराना बात करूँ, जिसमें वेदा, वेदांत, ठीक है, तो वेद, वेदांत, फिर हमारा रामायण, महाभारत, एपिक जो भारत के थे, ये सब भी एक जमाने में भारत के लिए बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। आप लोग महाभारत अगर आप लोग देखते हो या गीता देखते हो, तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर में ही बातचीत किया है, ठीक है। अगर आप गीता नहीं पढ़े हो अभी तक, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप ज़रूर गीता पढ़िए, ठीक है, और जानिए कि नियम क्या होता है जिंदगी का। हर एक चीज़ों का सवाल का जवाब मिलता है, हर चीज़ का सवाल का जवाब, मतलब दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो गीता में जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली ठीक है, चलो संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ संविधान क्या है? संविधान हमारे देश में वही पिलर में बना हुआ है जो मॉडर्न डे में इसलिए बनाना पड़ा, बिकॉज अभी भारत थोड़ा सा मिक्स्ड हो गया, ठीक है। मिक्स क्यों? बिकॉज 47 का भारत और 5000 ईयर्स या 500 ईयर्स बैक, मतलब मुगल एरा से पहले का भारत एक नहीं है। जैसे जैसे फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारे देश में आते रहे, ठीक है, स्पेशली यूरोपियन, सेंट्रल एशियंस, तो भारत काफ़ी मिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो 700-800 साल में भारत का चित्र भी थोड़ा बदल गया। फिर 47 में बहुत लड़ाई लड़ा, ठीक है, ब्रिटिश के साथ, देश के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम, सिविल वॉर्स, जातवाद, बहुत सारा मैटर सर, ये सब मैं खुल के ही बात करूंगा। कोई भी बात छुपा के करने से कोई फायदा नहीं है, सच जानना जरूरी है, तभी आप संविधान समझ पाओगे। मतलब आज के डेट में जो संविधान हमारे लिए बना हुआ है, इसके पीछे का मतलब जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड आपको तभी अंदर से समझ आएगा कि क्यों संविधान ऐसा बोलता है, और संविधान को लेके मतलब जो भी आप देखिएगा पार्लियामेंट में कुछ भी बात होता है, जो भी ऑपोजिशंस में होते हैं, जो भी ऑपोजिशंस में होते हैं, कहने का मतलब है कि आज बीजेपी रूलिंग में है, सेंट्रल में कोई और ऑपोजिशंस में बैठे हैं, आप देखिएगा वो लोग जब भी बात करता है या फिर किसी भी मैटर पर डिबेट चलता है, ठीक है, तो नहीं संविधान का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है, संविधान के अगेंस्ट में जाके काम हो रहा है। तो अपोजिशन करने वाले हमेशा संविधान का ही एक सहारा लेता है ना, मतलब दे बेसिकली टेक दी कंटेक्स्ट ऑफ संविधान इन ईच एंड एवरी मैटर, ठीक है, और हर बात को संविधान के साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन आम आदमी को मुश्किल ये हो जाता है कि कौन सही बोल रहा है। मतलब जैसे मानो कि अभी आज के डेट में अगर मैं बात करूँ कि बीजेपी कंट्रोल में है, सेंट्रल में है, पावर में है, बीजेपी कोई भी डिसीजंस देता है, तो ऑपोजिशंस वाले जैसे कि कांग्रेस, यूपीए, सीपीआई, मतलब लेफ्टिस्ट, मतलब कम्युनिस्ट, ठीक है, फिर आपका और भी बाकी जैसे टीएमसी, ठीक है, जो भी इनके मेन मेन ऑपोजिशंस पार्टी हैं, ऐसे बीजेपी तो मेनली क्या बोलते हैं, मेजोरिटी में है, तो बाकी मैक्सिमम अभी बहुत सारा पार्टी अगेंस्ट में है, ऑपोजिशंस में। नाउ क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि एक आम आदमी
उसको कैसे पता चलेगा कि बीजेपी सही बोल रहा है कि ऑपोजिशन सही बोल रहा है? इसको लेके तो सबके मन में नॉलेज होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं कांग्रेस करता हूँ तो कांग्रेस करता हूँ मतलब कांग्रेस ने जो भी बोला सही बोला होगा, मतलब ऑपोजिशन कर रहा है तो सही कर रहा है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन सर, मतलब देश का मैटर है, ठीक है, एक्चुअल में कौन सही कर रहा है। जैसे मानो कि एक टाइम था, ऐसे एक टाइम नहीं, मैक्सिमम टाइम ऐसा था मेरे, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों का भी टाइम है मैक्सिमम, बीजेपी तो अभी अभी पावर में है और बीच में एक बार 2000 के टाइम पे एक बार पावर में था और उसके पहले एक बार कुछ सालों के लिए जनता दल का गवर्नमेंट था, ठीक है। सो मैक्सिमम टाइम कांग्रेस ही पावर में रहे हैं हमारे देश में, तो उस टाइम पे बीजेपी ऑपोजिशन में थे, वो लोग भी बोलते थे संविधान का पालन नहीं हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है। सो क्वेश्चन इज दैट कि संविधान ने क्या बोला है ये किसको पता है? और ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं ये पार्टी फॉलो करता हूं तो मेरा पार्टी जो बोलेगा मेरे को वही मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तुम पार्टी करते हो, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम अपने पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, दैट इज डिफरेंट, बट यू मस्ट नो दिल से कि क्या सही है और क्या गलत है ना। और अगर जो पार्टी नहीं करते, पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए जो नहीं है, एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉमन मैन ऑफ इंडिया, एवरीबडी मस्ट नो कि संविधान क्या बोला है और संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं आज आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बात करूंगा, जैसे बहुत ही कुछ कंट्रोवर्शियल भी लगेगा आपको, बट मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, आपको लगेगा कंट्रोवर्सी बिकॉज हमारे माइंड में ना ऐसा सेटअप हो गया है कि किसी मैटर पे बात करना कंट्रोवर्सी है, लेकिन मतलब ओरिजिनलिटी जानना कंट्रोवर्सी नहीं होता। किसी भी जो भी चीज़ ओरिजिनल है उसके बारे में जानना कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं होता। जो उचित बात है वो कंट्रोवर्सी किस बात का, मैं सच्चाई जानूंगा बस यही है और कुछ नहीं, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना है। लेकिन ये मतलब समाज में एक कंट्रोवर्सी की तरह हो गया है, मतलब लोग बात करना चाहता ही नहीं है, ठीक है, इस तरह का। तो मैं बात करूंगा आपके साथ, फैक्ट के साथ बात करूंगा, जो भी हुआ है वो सभी कुछ बताऊंगा आपको, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूंगा, इक्वलिटीज के बारे में बात करूंगा और रिलीजियन के बेसिस में भी बात करूंगा, बिकॉज संविधान हमें आपको बताने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो मैं आपको रिलीजियस मैटर पर भी बात करूंगा, इक्वलिटी, सबके भारत देश में रहने के लिए सबका समान अधिकार, ये समान अधिकार का क्या कॉन्टेक्स्ट है, आई मस्ट डिस्कस। सर जॉब पाने के लिए सबको समान अधिकार, इसके बारे में संविधान क्या बोला है? फंडामेंटल राइट्स है ना, आजकल सर बहुत जगह में बात चलता है कि दिस इज मेरा ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? आप कितना देर तक अपना फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल कर सकते हो? बिग क्वेश्चन सर। आपका संविधान एक फंडामेंटल राइट्स तो है। फंडामेंटल राइट्स को लेके कुछ दिन पहले कितना सारा बवाल हुआ आप लोगों ने देखा, अभी भी उसका कोर्ट का डिसीजन आ गया लेकिन फिर भी मुश्किल चल रहा है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है, मतलब कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में जाके नाराबाजी चल रहा है, आप नहीं कर सकते। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में जाके आप ऐसे नाराबाजी नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको पसंद नहीं आया आप हायर अथॉरिटी में जा सकते हो, मतलब हाई कोर्ट ने अगर डिसीजन आपसे आपके अगेंस्ट में गलत दिया, सुप्रीम कोर्ट में आप जरूर जा सकते हो, वो पावर है आपके पास, ठीक है। भारत देश में लोगों के हाथ में बहुत सारा पावर दिया गया है, वी आर नॉट पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में लोगों के हाथ में इतना पावर नहीं है, ठीक है। मैं वो भी बात बताऊंगा आपको कि भारत जब बना था उस टाइम पे और भी दो देश बना था, ठीक है, एक्चुअली और एक ही बना था, बाद में वो टुकड़ा हो गया, ठीक है। जिस टाइम पे इंडिया बना था, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यू इंडिया, लाइक 47 के बाद का इंडिया, उसी ड्यूरेशन में पाकिस्तान का भी जन्म हुआ था और बाद में पाकिस्तान को टुकड़े करके बांग्लादेश का भी जन्म हुआ था 71 में। सो उनके साथ हमारा क्या फर्क है? हम भारत है, पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का पुराना मतलब एक्चुअल पार्ट हमेशा से था, बट अलग क्यों हुआ और उनके संविधान में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है? आजकल जो आप लोग मार्केट में चर्चा भी देख रहे हो क्या चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि जो हो रहा है पाकिस्तान में ऐसे भारत में कभी नहीं हुआ, भारत में भी हुआ है, बट पाकिस्तान जैसा नाटक हमारे देश में कम ही होता है और जितना कम हो उतना ही अच्छा। तो इसके लिए आपको संविधान का प्योर नॉलेज लेना जरूरी है, तभी आप ये सब मैटर पे किसी के साथ बात भी कर सकते हो, एग्जाम का क्वेश्चंस का जवाब भी दे सकते हो, सबसे बड़ा बात आप ज्ञानी बन सकते हो, नॉलेजेबल बनोगे तो आप अपना बात उचित तरीके से रख भी पाओगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ओके तो चलो सर उचित तरीके से संविधान को जानने का पूरा कोशिश करते हैं कि क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे में ओवरव्यू तो आप लोगों को दे दिया, बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को नॉलेज में आ गया, आज मैं बेसिक का ही कुछ मतलब एनालिटिकल पार्ट में बात करने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या बताने वाला हूँ। हेलो, चर्चा का विषय तो समझ में आ गया ना, प्लीज टेल मी।
यस सर ओके अच्छा प्रीएम्बल और बात नहीं करना चाहिए बिकॉज प्रीएम्बल पे बात मैंने कर लिया है ना भारत के संविधान की जो प्रीएम्बल है इसके बारे में और मुझे बात नहीं करना है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद मैंने आपको बोला नहीं सर एक्चुअली प्रीएम्बल बदला नहीं जाता जानते हो प्रीएम्बल किसी भी चीज़ का आप नहीं बदल सकते ये थोड़ा सा रिजिड होते ठीक है कॉम्पेयर टू एनी अदर मैटर मतलब आप अमेंडमेंट ला सकते हो बट प्रीएम्बल मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे बदल सकते हो लेकिन सर ये भारत में हुआ है हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को बदले हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया 76 में ड्यूरिंग इमरजेंसी ठीक है प्रीएम्बल को नहीं बदला जा सकता लेकिन फिर भी 76 में इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑन द डेरा कांग्रेस के सरकार थे सर इंदिरा गांधी जी का सरकार थे आप लोगों को पता होगा ठीक है भारत के संविधान में दो चेंजेस लाया गया था ठीक है जो प्रीएम्बल बदलने का जो तरीका है उससे अलग है मतलब प्रीएम्बल नहीं बदला जा सकता फिर भी बदला गया है बिकॉज प्रीएम्बल इज लाइक एमओए ठीक है इट्स लाइक एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी जो लोग कंपनी लॉ पढ़ते हो उनको पता होगा ठीक है तो इसमें दो वर्ड इंक्लूड किया गया था दैट इज सेकुलर एंड सोशलिस्ट ठीक है ये दोनों वर्ड हमारे संविधान के अंदर नहीं था भारत को सेकुलर वर्ड के साथ नहीं जोड़ा गया था और सोशलिस्ट के साथ भी नहीं जोड़ा गया था भारत एक सोवेरिन मतलब सोवेरिन मतलब अखंड हाँ सर अखंड अखंड समझते हो जो एकदम कंप्लीट नहीं भारत मतलब कंप्लीट भारत स्वाधीन भारत ठीक है अखंडता ठीक है ये भारत का सोवेरिनिटी है आप लोग रिसेंटली इमरान खान का फेयरवेल स्पीच में सुने कि वो किस तरह से भारत को प्रेज कर रहा है कि कोई दुनिया का कोई भी ताकत भारत की तरह आंख उठा के नहीं देख सकता आप लोग देख रहे हो सुना है कि नहीं सुना इमरान खान पाकिस्तान में उनका तो गद्दी चला गया सर पावर चला गया नो कॉन्फिडेंस वोट में नहीं आ पाए लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं कि भारत एक सोवेरिन कंट्री है भारत एक सोवेरिन कंट्री है आप लोगों ने सुना अरे सुनते कि नहीं सुनते बोलो ना है सर और बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि भारत जैसे देशों के ऊपर हाँ कोई भारत कोई इंडिया पे तो कोई कुछ नहीं बोलता है ना बार बार इमरान खान नहीं चिल्ला रहे कोई इंडिया पे कुछ नहीं बोलता अरे क्यों बोलेगा इंडिया पे तुम किसके साथ अपना कंपेयर कर रहे हो जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है हाँ ये बात पाकिस्तान कैसे भूल जाता है ये पाकिस्तान जो है ये लोग खुद से कहाँ हैं ये भारत ने उनको दिया तभी वो है अगर हम इनको ना बनाते तो ये कभी ना बनता ये बात उनको मानना चाहिए दैट इज द हार्डकोर ट्रूथ ये हर एक पाकिस्तानी के जहन में होना चाहिए ये बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि अगर भारत ना होता तो कभी बांग्लादेश ही ना होता वजह ऑब्वियसली रिलीजियन है मैं बात करूंगा रिलीजियन पे कि हमारे संविधान के रिलीजियन के मैटर पे क्या बोला है उसके बाद राजनीति में जो भी आप सुनते हो या जो भी आप करते रहिएगा सुनते रहिएगा बट ओरिजिनलिटी जान के ठीक है तो पाकिस्तान बोलेगा क्यों नहीं बिकॉज बिखरा हुआ एक कंट्री है पूरा का पूरा ठीक है एक पूरा का पूरा बिखरा हुआ कंट्री है बिकॉज वो अपने सच्चाई से जो भी स्टेट जो भी कंट्री अपने ट्रुथ से भागेगा उसको तो मुश्किल आना ही पड़ेगा सर ये तो हार्डकोर ट्रुथ है आप अपने सच्चाई से क्यों भागोगे आप अपने सच्चाई को सामना करो कि आप कौन हो आपका सच्चाई क्या है आप कैसे आए थे अगर आपका सच्चाई झूठ है ना मतलब आप जिस आपका बेस अगर झूठ है तो फिर आप तो टूटोगे ही आज नहीं तो कल टूटोगे और कभी ना कभी टूटोगे ठीक है इधर बलूचिस्तान को लेके प्रॉब्लम है इधर दिलजीत बल्तिस्तान अपना कश्मीर का ये वाला एरिया लद्दाख का ये वाला एरिया पाकिस्तान हड़प के रखा है ठीक है ऐसे एरिया में दिक्कत है तो काफी सारा प्रॉब्लम है इसके कंट्री में और इंटरनल प्रॉब्लम तो है ही हर कंट्री का अपना अपना है पाकिस्तान में भी है ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है सर 20 करोड़ का पॉपुलेशन है फिर भी ये लोग पागल हो जाते हैं ठीक है 20 करोड़ लेके पागल हो जाते हैं हम लोग तो यूपी में 22 करोड़ को लेके क्या टैकल कर लेते हैं सर हाँ ये लोग इतना बड़ा देश बनाया हाँ जबरदस्ती छीना फिर भी नहीं कर पा रहे और जब मुश्किल का घड़ी आता है तब भारत को देखो भारत को देखो अरे भारत को तुम्हें रोज देखना चाहिए दिन रात भारत को मतलब ऐसे प्रेज सिर्फ नहीं दिल से रेस्पेक्ट करना चाहिए किस्मत बदल जाता आज ठीक है अलग हुए थे बट रेस्पेक्ट के साथ अलग हुए थे तो अच्छा होता दुश्मनी लेके अलग हुए ना इसीलिए मुश्किल है अगर ये एक अगर रेस्पेक्ट करता है ना बड़ा भाई की तरह या बड़ा पापा की तरह तो फिर आज पाकिस्तान का भी किस्मत चमक जाता लेकिन ये इनके दिमाग में कौन घुसाएगा छोड़ो ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ दुश्मनी करने के लिए इनको पैदा किया गया था चलो कोई बात नहीं अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आगे का बात बताता हूँ
नहीं, इमरान खान का स्पीच सुन के मेरे को हंसी आ रहा था। हाँ, भारत को देखो, भारत को देखो, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसा कंट्री है जो 10,000 साल 5,000 साल पुराना कंट्री है, या फिर दुनिया के बहुत ही बड़े कोई कंट्री है। अरे भाई, जन्म तो हमसे हुआ था, तो फिर तुम हमें क्या एग्जाम्पल पे ले रहे हो? रोज लेना चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम पे नहीं। चलो आ जाते हैं। सर चलो देखो, कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ बेसिक बात मैं फटाफट एक बार आपको याद दिला देता हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी ओवरव्यू क्लास में बता के रखा। कॉन्स्टिट्यूशन विच लेस डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए नेशंस पॉलिटी इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशंस ऑफ सर्टेन फंडामेंटल वैल्यूज। यही आज का मैं मेन विषय बात करने वाला हूँ, फंडामेंटल वैल्यूज पे। ठीक है, बहुत सारा फंडामेंटल वैल्यूज हैं हर एक देश का, फंडामेंटल वैल्यूज। ठीक है, जो मतलब वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मूल्यबोध। मूल्यबोध समझते आप लोग? मतलब मूल्य क्या होता है? प्राइस नहीं, मूल्य इज नॉट प्राइस। मूल्य मीन्स वैल्यू करना। वैल्यू मतलब जैसे दाम से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है किसी चीज का दाम 5 टका हो, ओनली 5 रुपीज हो, डजंट मैटर। ठीक है, बट उस 5 रुपीज का क्या मतलब इंपॉर्टेंस ही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास 500 है, बट उस 500 से आप पार्टी कर सकते हो, और उस 500 से आप किताब भी खरीद सकते हो। सो वट इज मोर, मच मोर वैल्यूएबल। ठीक है, तो वैल्यूज का मतलब दाम नहीं होता सर, वैल्यूज का मतलब होता है जो जिसका कदर होता है, जिसका रेस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू ना, ये वैल्यू सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना के नहीं होता, ये ना एक कल्चर होता है। वैल्यू एक कल्चर होता है, और उसी कल्चर से देश बनता है। ठीक है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर। सिर्फ संविधान में ये लिख दो वो लिख दो करके नहीं होता। ऐसा करके हम देश को कंट्रोल कर सकते हैं, बट देश को चलाने के लिए वैल्यू सिखाना पड़ेगा, और वो वैल्यूज फैमिली सिखाते हैं, और वो फैमिली घर घर के अंदर, देश के अंदर, मतलब पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब वंशों परंपरा, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सदियों से चले आ जाना चाहिए। मतलब मोर देन 5,000 ईयर्स, मोर देन 2,000 ईयर्स, वो एक शिक्षा की तरह स्प्रेड करना चाहिए। तो दैट इज द मेन फंडामेंटल वैल्यूज, और उसी के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी बिल्डअप किया करने का कोशिश आम्बेडकर जी ने किया है। The vision of our founding fathers and aim and objective which they wanted to achieve through the constitutions are contained in the preamble, जो आपको मैं already समझा चुका हूँ। The fundamental rights आज बताऊँगा, directive principles किस तरफ को देश के किधर लेके जाना है। ठीक है, देश का objective क्या है, देश को क्या बनाना है। ठीक है, technologically developed, agriculturally developed, industrially developed, सबसे बड़ी चीज़ as a human being भारत को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनना चाहिए। इंसान समझते हो ना, मानुष। ठीक है, ये बहुत जरूरी है सर। जिस दिन भारत ये हो जाएगा, और वही भारत का सबसे बड़ा ताकत है, भारत दुनिया भर में ना इंसानियत के लिए जाने जाते हैं सर। और भारत जिस दिन इंसानियत से जब जब टूटता है, आप समझ रहे हैं ना, भारत का डिटोरिएशन चालू हो जाता है। और यही तो है भारत का स्पेशलिटी। कोई टेक्नोलॉजी बनाता है, कोई इंडस्ट्री बनाता है, लेकिन भारत ह्यूमन बींग बनाते हैं। सर क्या बात करते हो, अगर आप लोग कभी विवेकानंद को पढ़े हो ना, तो समझोगे विवेकानंद हर जगह में, बेसिकली दिस इज फ्रॉम गीता एंड वेद वेदांत, तो बार बार विवेकानंद जी बताते हैं कि वी नीड अ मैन मेकिंग फैक्ट्री। आई डोंट नो आप लोग कभी ये वर्ड सुने कि नहीं सुने, अगर नहीं सुने तो प्लीज मस्ट रीड स्वामी विवेकानंद, मैन मेकिंग फैक्ट्री। सर वॉट इज मैन मेकिंग फैक्ट्री? हाँ, भारत को एक मैन मेकिंग फैक्ट्री की तरह बिल्डअप करना चाहिए। और विवेकानंद जी तो बार बार ये चीज बोलते थे कि हमें कडरों नहीं चाहिए, बस 100 ऐसा इंसान बना दो, 100, वी नीड 100 यूथ, 100 मैन। ठीक है, जो निर्भीक हो, निडर हो, मतलब साहसी हो, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी हो, ऐसे 100 यूथ दे दो, देश को बदल के रख देंगे। ऐसा मैन मेकिंग फैक्ट्री हमारे देश में होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी कोशिश किया है उस तरह का कल्चर बिल्ड करने का, बट फिर भी कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। चलो देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिस थ्री में बी डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या हो गया, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जो तीन बात मैंने आपको कहा अभी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा हो गया। ठीक है, आपका फंडामेंटल अधिकार क्या है, देश को चलाने का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, एंड संविधान का मूल उद्देश्य क्या है। ये तीन चीज संविधान का आत्मा है, सोल है। ठीक है, एंड द टेस्टामेंट ऑफ फाउंडिंग फादर्स टू दी सक्सेडिंग जनरेशन, मतलब जो भी हम लोग आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशों परंपराएं देश को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या है,
जनरेशन टुगेदर विद द लैटर पार्ट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारा फंडामेंटल कर्तव्य क्या है, ठीक है, ये सभी चीज आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज पेशेंस के साथ रहिएगा, काफी फैक्ट्स के साथ भी बात करूंगा। द विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, हमारे देश का सोशल स्ट्रक्चर, हमारे देश का आर्थिक स्ट्रक्चर, चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रीएम्बल, द प्रीएम्बल एक्सप्रेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ए रिनेसेंस इंडिया, ठीक है, मतलब देश का आदर्श क्या होगा, देश का एस्पिरेशंस क्या होगा, वो संविधान तय करता है। एट इंडिपेंडेंस emerging out a long period of foreign dominations, yes sir, long period of foreign domination, not just British era, usse pehle ka era Mughal era tha, ye cheez bhulna nahi chahiye, theek hai, Mughal tha, Turkish tha, theek hai, Pathan tha, Afghani bhi rule kabhi kabhi kiya hai beech beech mein, theek hai, so Bharat mein foreign rule 700-800 saal se ho raha hai, theek hai, to it's a long time, Bharat ka pura jo khud ka jo atma hai na, wo jhinjod gaya tha, ठीक है, वो जो आत्मा है उस आत्मा को ठीक करना है, ठीक है, तो चलो देखते हैं संविधान कुछ कोशिश करता है कि नहीं करता है इसके मैटर में। तो इमर्जिंग आउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉरेन डोमिनेशंस एंड ऑपरेशन अंडर ए फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल मतलब बेसिकली जो मतलब बेसिकली रूलर, ठीक है, जो रूल करने आते हैं, ठीक है, रूल करने, हम आपको आपके ऊपर रूल करेंगे, राज करेंगे, ठीक है, राजा नहीं जो सिर्फ शासन करते हैं, ठीक है, मतलब क्या बताऊं आपको, इट्स लाइक लूटने की तरह, भाई आप मैं आपका मार के पीट के आपको सीधा कर दूंगा, इट्स लाइक दैट। एक सेकेंड, तो संविधान को बिल्डअप करने में इंडिपेंडेंस के बाद द पीपल वर ग्रीमली स्ट्रगलिंग टू बी रिबॉर्न इनटू लाइफ एंड डिग्निटी एंड होप, तो संविधान भारत के जनता के लिए एक आशा बन के आया सर, जो एक न्यूली बिल्डअप किया और ग्रीमली स्ट्रगलिंग टू बी रिबॉर्न, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हमें पुनर्जन्म मिल जाए, इट्स लाइक पुनर्जन्म सर, कि भारत को पुनर्जन्म लेना है, अब कैसे लेगा, डिग्निटी के साथ और आशा के साथ, तो वो आपको संविधान पढ़ के ही समझ में आएगा। द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा कॉम्प्रेसेस ऑफ बोथ द जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स as well as non-justiciable directive principles, हाँ कभी कभी justice है fundamental rights के साथ और कुछ कुछ directive principles हैं, non-justiciable मतलब हर case में justice नहीं, कभी कभी directive principles भी होते हैं, नहीं देश को ऐसे ही चलाना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, कभी public का सुना भी किया जाता है और कभी public का ना भी सुना जा सकता है। The judicial contribution to the synthesis and integration of fundamental rights and the directive principles in the process of constitutionalizing social and economic rights, हम सबका सामाजिक अधिकार, हम सबका आर्थिक अधिकार has been crucial to the realizations of the directive principles, not only as a means to effectuate fundamental rights, but also as a source of laws for a welfare state. संविधान क्या बन गया फिर? संविधान is a हमारे fundamental rights के लिए, हमारे welfare के लिए एक basically गाथा है, एक महाकाव्य भी बोल सकते हो आप, ठीक है, मतलब एक ऐसा गाथा जो पब्लिक भारत के लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज वेलफेयर हमारे अच्छाई के लिए काम करेगा, ऐसा नियम बनाया है, ठीक है, ये सब मैं जो भी बोल रहा हूँ सीएस के मैट से ही बोल रहा हूँ, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 31 मार्च 2002 से ये वाला बात लिया गया। चलो मैं आगे और बात करता हूँ आपको संविधान के बारे में, और कुछ बेसिक बातें याद दिलाता हूँ। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ए प्री एमिनेंट एम्फोसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, सर आप भारत में हो प्राउड जरूर फील कीजिएगा, सर क्यों जबरदस्ती करवाओगे क्या, नहीं सर, प्राउड इसलिए फील करना चाहिए आपको, आप खुशकिस्मत हो कि आप चाइना में नहीं हो, आप खुशकिस्मत हो कि आप पाकिस्तान में नहीं हो, सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, सर चाइना में लिबर्टी नहीं है, वन पार्टी कंट्री है, ठीक है, एक ही पार्टी सरकार चलाते हैं सालों साल, एक ही पार्टी, वन पार्टी, ये चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे पड़ोस में है, सर फिर आप जबरदस्ती भारत को अच्छा चाइना को बुरा क्यों बता रहे हो, नहीं सर बुरा नहीं बता रहे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्राउड फील करना चाहिए, सर हर एक इंसान का ना जिंदगी का एक इच्छा होता है कि वो स्वाधीनता से जिए, क्या आप नहीं चाहते कि आप इंडिपेंडेंटली जिए लिबर्टी के साथ, हर इंसान का ना जिंदगी में लिबर्टी होना जरूरी है, बट हाँ आजकल लिबर्टी का हम लोग मिसयूज कर रहे हैं, बट चाइना में लिबर्टी नहीं है, जो बात मैं हमेशा करता रहता हूँ, अब चाइना में वन पार्टी आर्मी है सर, एक ही पार्टी पूरा देश को चलाते हैं,
आपको इच्छा है क्रिकेट खेलने का, वो बोलेगा नहीं तुम जिमनास्ट करो। आपको इच्छा है फुटबॉल खेलने का, वो बोलेगा नहीं तुम ये खेलो, कुछ और गेम खेलो, ठीक है। मतलब जो भी, मतलब इट्स लाइक चाइना का स्कूल सिस्टम भी वैसा ही है, ठीक है। मतलब वहां पर आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। इवन जैक मा जैसे बड़े बड़े बिजनेस को नहीं, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर को नहीं छोड़ते, तो नॉर्मल आदमी का क्या बात करूं मैं। सो प्राउड फील करना चाहिए आपको, सीरियसली। तो लिबर्टी एंड जस्टिस ऑन ट्रीटिंग ऑल सिटीजन, और ये सिर्फ संविधान से नहीं आया, ये भारत का पुराना कल्चर है जिसको हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं ना, हिंदुस्तानी या हिंदुइज्म, ठीक है। ये ना कोई धर्म नहीं है, इसको किसने बनाया कोई बता नहीं सकता, है ना। जैसे क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट ने लाया, ठीक है, इस्लाम हजरत मोहम्मद ने लाया, बट हिंदुइज्म किसने लाया कोई बता सकते हो? किसी का भी नाम ऐसे कि भाई इन्होंने हिंदुइज्म लाया? मैं भारत का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट के टीचिंग से हुआ है। अगर आप इसको देखो हजरत मोहम्मद जी के हिसाब से इस्लामिज्म दुनिया भर में फैला है, बट हिंदुइज्म किसने लाया? फिर कोई पर्टिकुलर नेम है आपके पास? अरे बताओ ना, कोई पर्टिकुलर नाम है भारत के बारे में कि भाई भारत का जो लोगों का धर्म है, जो शिक्षा है, वो किसी पर्टिकुलर इंसान ने लाया? आप लोग कोई नाम जानते हैं ऐसे? ऐसे बहुत सारा नाम मिलेगा आपको जो अलग अलग टाइम पे हमारे देश में। कभी कभी हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि कृष्ण का धर्म है, ये शिव का धर्म है, ये शंकराचार्य का धर्म है, ऐसा कभी नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुओं का एक कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिकली ये एक जीने का तरीका है। हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, ये जीने का तरीका है। तो ये हम लोग ना बहुत पुराने टाइम से जानते हैं, और वही कल्चर धीरे धीरे हमारे संविधान के अंदर भी लाया गया। आप समझने का कोशिश कर रहे हैं, ये सब बात जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली लिबर्टी जस्टिस ही हमारा पुराना कल्चर है, सनातन कल्चर का पार्ट है, इसीलिए सनातनी भी कहा जाता है हिंदुइज्म को, ठीक है। आप नाम नहीं गिना पाओगे मुझे कि भाई इन्होंने हिंदुइज्म लाया। तो हिंदुइज्म उस हिसाब से देखा जाए तो कोई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, बाकी केस में तो वो रिलीजियन कॉन्सेप्ट बना है। धर्म का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? धर्म जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं धर्मो, धर्म या धर्म का मतलब होता है जो जिसको पकड़ के जिंदगी चला जा सकता है, है ना, दैट इज कॉल्ड धर्म, ठीक है, या धर्म। तो भारत के अंदर ये जिंदगी जीने का सिस्टम बहुत पुराने टाइम से ही है। दुनिया के किसी और देशों में लाइक वेस्टर्न्स में, सेंट्रल एशियंस में प्रॉपरली कोई धर्म नहीं था, लोग एक दूसरे से मार पीट दंगा करके ही रहता था। तो उनके पास जीने के लिए एक कोई टीचर चाहिए था। भारत के अंदर ये सिस्टम बहुत पुराना है, तो इसलिए भारत का कोई इतना पुराना है कि कौन इसको बनाया है इसके बारे में प्रॉपर कोई प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। कश्यप ऋषि से लेके मनु से लेके आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, लेकिन सेंट्रल एशिया यूरोप में आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये रिसेंट है, रिसेंट 2000 साल पुराना बात है मैक्सिमम। सो ये लिबर्टी जस्टिस, ये जो संविधान के अंदर है ना, ये भारत का लॉ ऑफ लैंड है सर, ठीक है। तो चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या है लॉ ऑफ लैंड। और सर मैं भारत का बात कर रहा हूँ, हाँ सर, किसी धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर। मैं अगर आप भारतीय हो तो प्लीज भारत को समझने का कोशिश करना, बस यही मेरा इच्छा है और कुछ नहीं। और संविधान भी यही आपको सिखाना चाहता है, इसीलिए जब हम लोग किसी भी, आप लोग कोर्ट में देखे होंगे, टीवी में तो देखे ही होंगे, जब भी हम लोग किसी को सजा देते हैं या फिर किसी को गवाह के लिए कोर्ट में लाते हैं, तो गीता छू के हम लोग कसम खाते हैं। अरे कम से कम ये तो बोलो, हाँ या ना, हम लोग गीता छू के कसम खाते कि नहीं खाते? हर कोई जो भी कोर्ट में आते हैं वो गीता को टच करके कसम खाते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे बोलते हैं ये सुनो? यस सर। तो फिर क्यों बोलते हैं गीता, क्यों बोलते हैं? बिकॉज संविधान को बनाया ही गया भारत के हिसाब से, लेकिन ये बात खुल के क्यों नहीं कहा गया, ये भारत का इंटीग्रिटी का सवाल था, ठीक है। क्योंकि अगर बात बात में हिंदू हिंदू करते रहेंगे तो फिर, क्योंकि भारत में और भी धर्म के लोग हैं, और भी चिंतन के लोग हैं, तो उनको लगेगा कि ये तो हिंदू राष्ट्र बना रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट में भारत बना ही नहीं था। भारत एक सेकुलर नेशन की तरह ही बना था, इसलिए किसी का भी मतलब जिनको
जिनको बेसिकली भारत से प्रेम था वो भारत में रह गया, और जिनको जाति धर्म के आधार पे किसी और कंट्री को चूज करना था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया, बिकॉज उनको किसी को मुस्लिम से मतलब मुस्लिमियत में मैटर था, ठीक है, इस्लामियत में मैटर था, वो इस्लाम में चला गया। इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश एक इस्लामिक नेशन है, मैं उसका प्रूफ दूंगा आपको। लेकिन भारत ऐसा ना तो ये इस्लाम कंट्री है, ना तो ये हिंदू कंट्री है, ना तो ये क्रिश्चियन कंट्री है, भारत भारत है और ये भारत के हिसाब से चल रहा है, ये भारत के कल्चर के हिसाब से चलेगा, यही इसका मेन बात है। तभी अब कोई बोलेगा गीता तो हिंदुओं का है, हाँ सर हिंदुस्तान तो है तो फिर हिंदुओं का ही तो होगा, इसको लेके डिबेट क्यों हो? ये बात तो मेरे दिमाग में आज तक नहीं समझ पाया। देश तो हिंदुस्तान है ना, तो फिर हिंदुस्तान का नियम ही तो हिंदुस्तान में चलेगा, अरब का नियम अमेरिका का नियम थोड़ी ना चलेगा। लेकिन इसको तो फिर जिन लोगों ने भारत को चूज किया, जो भी जो इस्लाम फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, जो भी फॉलो करते हैं, भारत को क्यों चुना? बिकॉज उनको भारत से प्रेम था, भारत के कल्चर से प्रेम था, भारत के नियम से प्रेम था, तभी वो भारत में रह गया। जिनको पाकिस्तान जाना था, बांग्लादेश जाना था, उनको पाकिस्तानी मतलब उनको एक अलग ही नशा था उनको, इसलिए उधर चला गया। जो यहाँ रह गया उनको तो भारत के हिसाब से चलना है ना, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर हिंदू हिंदू नहीं गया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को पता है देश तो हिंदुस्तान है, तो यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेगा उसी हिसाब से बनेगा और उसी हिसाब से बनाया गया, और तभी कसम खाया जाता है गीता का। लेकिन गीता पढ़ाने का बात करो तो बोलेगा हिंदुओं का बात कर रहे हैं, तो फिर जिस चीज का कसम खाते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है? बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया मैंने आपके सामने। जिस चीज का कसम खाते हैं कोर्ट में खड़े होके, उसके बारे में पढ़ाने से क्या प्रॉब्लम है फिर? तो फिर वो हिंदुओं का बात हो जाएगा। अरे भाई देश का नियम है, सीखने से क्या प्रॉब्लम है? स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाओगे? प्लीज सर बताओ आप लोग, पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर नहीं पढ़ाना चाहिए तो फिर कसम खाना बंद कर दो, तो फिर किस चीज का कसम खाएंगे? हाँ, तो फिर ओथ लेना भी बंद हो जाएगा, तो फिर भारत किस बात का? तो फिर अमेरिका बना देते हैं ना भारत को। ये सब सवाल है सर, बात राजनीति में उठता है, आप लोग भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ, मेरे दिमाग में भी सवाल आता है कि भाई जब गीता का कसम खाते हैं हर कोई, कोर्ट का सिस्टम है। अब आप बोलोगे मैं कोर्ट नहीं मानता, तो फिर आप ये सजा पाओगे। हम तो गीता का कसम खाते तो गीता सीखना पड़ेगा ना, गीता जानना पड़ेगा, इसमें कोई हिंदुइज्म का बात नहीं है। आप जो धर्म चाहते हो वो धर्म पालन करो, लेकिन यू मस्ट नो गीता, यू मस्ट नो, इसमें आपका धर्म नहीं बदलेगा। आप इस्लाम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप सिख हो, आप अपने धर्म के हिसाब से चलो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा मौका देता है। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। लेकिन ये बात किसको समझाओ सर? ये बात करने जाओ तो बोलेगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। हाँ सर, चलो सर आगे बताते हैं आपको, बहुत सारा चीज आपके सामने ओपन होगा सर, आप खुद ही खुद से सवाल करते रहोगे। एक्चुअली ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो भी है एज पर संविधान मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बाकी सोचना आपके ऊपर है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप मानो हर बात, नहीं, बात मानने का है ही नहीं। मैं तो कोई भी बात आपको फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ, वट एवर मैं बोल रहा हूँ संविधान के आधार पर बोल रहा हूँ, जो हमारे देश में कल्चर है, जो सिस्टम है, उसके आधार पर बोल रहा हूँ, बाकी सोच विचार आप सोचिएगा, आप इंडिपेंडेंट है ना, लिबर्टी आपका है सर। हाँ बोलो, क्वेश्चन है। यस बोलो। ये जो ओथ वाला बात है, ये मतलब कोर्ट में होता है, ये आपका कैसे पता आपको? क्यों कोर्ट में नहीं होता है? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं, मतलब वो लोग बोलते हैं कि जब भी कोई झूठ बोलता है तो उसका जो सेक्रेट बुक है, जिस भी रिलीजन का है, मतलब किसने क्राइम किया है, तो वो कभी अपना धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलेगा। सपोज इफ कोई भी किस धर्म का है, सपोज क्रिश्चियन है तो उसको बाइबल पे कसम खिलवाएगा, अगर किसी हिंदू ने क्राइम किया तो उसका सीक्रेट बुक भगवत गीता है तो उसका कसम खाएगा। बट बिकॉज वो उसके होता है कि उनका कंसेप्शन ये होता है कि जो धार्मिक है, अगर उसने क्राइम किया है तो धर्म का किताब देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। वही बात है, not that सबको भगवत गीता लेके उठता है। नहीं नहीं, मैं तेरा बात समझ गया। ये सबको भगवत गीता नहीं पढ़ाया जाता, बट मैं वही बोल रहा हूँ, मैं इंजीनियर बोल रहा हूँ, मैं सभी रिलीजियस के बेसिस में नहीं बोला, मैं बस इतना बोला कि अगर गीता का कसम खाया जाता है तो फिर गीता पढ़ाने से क्या प्रॉब्लम है? मैं यही बोल रहा हूँ,
पढ़ाने से प्रॉब्लम नहीं है सर, ये वो होता है कि सब अपना अपना क्या है ना सर, हर हर कोई अपना अपना रिलीजन को बेस्ट बताता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप किसी को भी किसी भी धर्म का पूछ लीजिए, वो दूसरों को क्रिटिसाइज करेगा और अपने आप को बेस्ट बताएगा। देख बात यहाँ पर है, नहीं गीता अगर तुम कभी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर कहीं पर भी किसी भी धर्म के बारे में कोई बात नहीं लिखा है कि ये खराब है वो बुरा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। वो इसलिए क्योंकि सर हिंदुइज्म बहुत पुराना है सर, ठीक है, उस टाइम में कोई धर्म बना ही नहीं था। वो किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, वो तो जीने का तरीका बताया है, ठीक है। तो ये संविधान भी तो वही है, संविधान क्या है, जीने का तरीका ही तो है, इसीलिए संविधान पढ़ने के बात करते हैं। लेकिन गीता पढ़ने का बात इसलिए आ रहा है बिकॉज ये गीता से आया है सर, आप पूरा पढ़ते जाओ, आपको देखने को आपको आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे हर एक बात समझ जाओगे आप, ठीक है। मैं हर ईच एंड एवरी मैटर तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी समझ के बोलना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ मैं भारत का बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे भारतीय जो भी चीज़ें हैं वो बार बार मेरे को याद आता है और मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई सोच समझ के बात एकदम नहीं करता हूँ, मतलब इस हिसाब से नहीं बोलता कि किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, मुझे सिर्फ भारत का बात करना है क्योंकि संविधान भारत का है और इसीलिए मैं बोला। और तू जो बोला वो सही बोला कि सभी कोई अपने अपने धार्मिक किताबों के हिसाब से चलता है, मैं गीता का बात मैं इसलिए बोला बिकॉज 80% जनता गीता का कसम खाते हैं, ठीक है। जब भी कोई क्रिमिनल मैटर होता है तो वहाँ पर गीता का मैटर सामने आता है, और गीता पढ़ाने के बारे में जब भी बात होता है स्कूल में कॉलेज में तो उसको लेके एक मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन वही है कि जिस चीज़ के बारे में जैसे देख अब देखो ना, जैसे अब इस्लामिक स्कूल के बारे में बात करते हैं, तुमने उठाया तो मैं 2 मिनट बोल देता हूँ। जो इस्लामिक स्कूल होते हैं, मद्रासा वगैरह होता है, वहाँ पर धार्मिक किताब पढ़ाया जाता है। अब अगर हिंदू स्कूल भी बनता जाएगा तो फिर मॉडर्न स्कूल कैसे बनेगा, मतलब मॉडर्न भारत कैसे बनेगा? तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, फिर मद्रासा बंद करना पड़ेगा, बट ऐसा नियम तो भारत में नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कोई हिंदू स्कूल होगा तो सबके लिए होगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं होगा। तो वही बात है ना, तो फिर हिंदू स्कूल तो नहीं, तो फिर गीता, तो फिर जिस चीज के बारे में संविधान में 80% से भी ज्यादा लोग अपने आप को फॉलो करते हैं तो उनका नॉलेज नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कोई हिंदू स्कूल बनाने का बात करते नहीं है बिकॉज मद्रासा स्कूल चलते हैं, ठीक है, वहां पर पढ़ाया जाता है अपने धार्मिक किताब, जीने का तरीका सिखाया जाता है उनको। लेकिन तो फिर गीता का ज्ञान लोगों के अंदर नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बाकी तो मैं डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, वही तो मेरा मन में सवाल है। स्कूल खोलने के लिए मना नहीं किया, खोल दीजिए हिंदू स्कूल, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं एक्चुअली अगर देखो वैसे हिंदू स्कूल खोल जाएगा तो फिर वही फिर से चालू हो जाएगा, फिर तो संविधान उसका वो बात हो जाएगा कि ये अपने तरीके से चला रहे, यहाँ पे बाकी लोग अलाउ नहीं होंगे, प्रॉब्लम बाकी लोग जो माइनॉरिटीज है, ये क्या होगा ना, ये सोवरेनिटी के खिलाफ हो जाएगा। तो मतलब वो बोलेंगे कि ये लोग मेजॉरिटी है तो कुछ भी करेंगे। हाँ वही तो बात पूछेगा, वही हो जाएगा ना। तो बेसिकली ये सोवरेनिटी के खिलाफ हो जाएगा। तो फिर आप देखो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही साइड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहा है, एक साइड चलना नहीं चाहता, ऐसा थोड़ी ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो सबको चलना पड़ेगा, तभी तो संविधान फॉलो करने का बात होता है। यही तो डिबेट है, यही जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं, यही तो डिबेट है कि संविधान फॉलो सबको क्यों नहीं करेगा। राइट, चेंज करने का जरूरत है। अब चेंज करने का बात करो तो फिर वो बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में आ जा रहा है। सर उस हिसाब से सारे इस्लामिक कंट्रियों में तो पढ़ाते हैं, वो लोग तो कभी कुछ नहीं बोलते। वही तो है ना, भारत तो कोई हिंदू कंट्री है नहीं, इस्लामिक कंट्री में तो इस्लामिक सिस्टम चलेगा बिकॉज वो लोग तो मतलब उसी हिसाब से देश को चलाते हैं। और जब हम लोग भारत के हिसाब से चलने का बात करते हैं, मतलब अरब अरब के हिसाब से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरब का नियम इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है तो इस्लाम है, तो भारत का नियम भारत के साथ जोड़ने से क्या दिक्कत है? लेकिन उसका बात करने जाओ तो फिर बात भी बात उसी को लेके, तो पॉलिटिक्स हर चीज में तुम देखो पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा वही है। अरब अरब के हिसाब से चलेगा, लंडन लंडन के हिसाब से चलेगा, रशिया रशियंस के हिसाब से चलेगा, अफ्रीकन अफ्रीकन के हिसाब से चलेगा, भारत को भारत के हिसाब से चलने बोलो तो मुश्किल, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है चलो आगे कॉन्स्टिट्यूशंस का बाकी पार्ट पढ़ते हैं। मुझे ये सब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ आपको बिकॉज उतना मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं ओपिनियन दे दूँ, बट दैट्स अ क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है, तो फिर कंट्री चलेगा कैसे फिर, है ना।
तो इसीलिए संविधान है, इसीलिए संविधान के हिसाब से चलेगा। ओके चलो, द पीपल ऑफ इंडिया डिराइव देयर एग्जिस्टेंस एज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वी द पीपल गिव टू आवर सेल्फ एंड द प्रोसेस एस्टैब्लिश द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट इज बिकॉज द कंट्री इज रिपब्लिक एंड नॉट ए मेयर डेमोक्रेसी। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल डेमोक्रेसी नहीं है कि जहां जनता वोट देगा, ऐसा नहीं है, रिपब्लिक भी है, मतलब प्रजा ही चलाते हैं कंट्री को, ऐसा पावर दिया गया है। दैट द पीपल आर एंजॉयिंग टू नर्चर एंड इंडीड सेलिब्रेट देयर लिंग्विस्टिक एथनिक कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। यस, सेलिब्रेट करेगा, एंजॉय भी करेगा, लेकिन आपको मैं लास्ट दिन बताया था ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक के बारे में, हिंदी को प्रोमोट करने के बारे में भी बात किया गया है। सर ऐसा क्यों? अब कोई बोलेगा सर जैसे आजकल बीजेपी कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि हिंदी को प्रमोट करने का, ठीक है, लेकिन अभी आप बोलोगे सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में काफी पहले से ही है, संविधान जब से बना था तब से है, उस टाइम पे तो बीजेपी पावर में भी नहीं था। सर हिंदी को इसीलिए पॉपुलर करने का बात किया गया था बिकॉज मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स हिंदी में बात करते हैं या हिंदी डायलेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि पूरा देश को कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन भाषा, जैसे हम लोग बॉलीवुड के मूवीज पूरा देश देखता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट एक ऐसा भाषा को तो प्रमोट करना ही पड़ेगा ना जो पूरा देश का अखंडता को बेसिकली एस्टैब्लिश करे। लेकिन अब इसको लेके भी बात करने जाओ तो भी कोई, अरे किसी किसी मुद्दे पे तो एक होना पड़ेगा ना सर, हर बात में अपोज करने से थोड़ी होगा। अपोजिशन करने का बहुत सारा एरिया होता है, दूसरे जगह में अपोज करो ना, जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे अपोजिशन करो, बिजनेस क्रिएट नहीं कर पा रहे अपोज करो, लेकिन कुछ इंटीग्रिटी क्रिएट करने वाले बात में अपोज करने का थोड़ा सोचना चाहिए, आई थिंक, पता नहीं। तो सेलिब्रेट देयर लिंग्विस्टिक एथनिक कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, एंड टू इंश्योर दैट द सिटीजन डू नॉट सफर फ्रॉम वांट एंड डिग्निटी। ठीक है, इंडिग्निटी के साथ किसी को सफर नहीं करना पड़ेगा। दो द इंडियन टेपेस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल मल्टीकल्चरलिज्म, ये भारत का मॉडर्न डे में मल्टीकल्चरल कंट्री है, नरिश्ड बाय मेनी सेंचुरीज ऑफ एसिमिलेटिव फोर्सेस, हैज बीन सब्जेक्टेड टू ऑकेशनल फिशर्स एंड द मोस्ट डाइवर्स नेशन ऑन अर्थ, द मोस्ट डाइवर्स नेशन ऑन अर्थ। सर इतना डाइवर्सिटी जिस कंट्री में है उसको काफी सेंसिटिविटी के साथ ही संभालना पड़ेगा। has been able to overcome those crises and use the innate strength of Indian Republic to uphold the dignity and integrity of India. मतलब कुछ भी हो जाए, भारत की dignity को, भारत के प्रजातांत्रिक स्वरूप को हम लोग ignore नहीं कर सकते, इनको हमें कैसे भी करके establish करना है। Now, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ broad framework of the constitution. The constitution of India came into force on 26 January, आप लोग जानते हो 1950. It is the comprehensive document. Apart from dealing with structure of government, the constitution makes detailed provisions. The rights of citizens, पूरा सुनो सर, आपको बहुत सारा चीज़ों का नॉलेज मिलेगा, मतलब कि जो भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, अब जवाब मिलेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कीजिए। एंड अदर पर्सन इन ए नंबर ऑफ एंट्रेंस्ड प्रोविजन एंड फॉर प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाई द स्टेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, लेवल्ड एज डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, स्टेट को भी फॉलो करना पड़ेगा सेंट्रल का बात, बिकॉज ये क्वासी फेडरल सिस्टम पे चलता है। स्टेट पॉलिसी, ऑल पब्लिक अथॉरिटीज जैसे कि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल डिराइव देयर पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी देश में पावर है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, जुडिशियल मैटर हो, ठीक है, हर पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है, विद इन टर्न डिराइव विद अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो पब्लिक का जो भी है, सरकार जो भी है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल जो भी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है। नाउ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन। बार बार बोल रहा हूँ, भारत की अखंडता, ठीक है, टूटना नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए। इसके लिए अगर कुछ अमेंडमेंट लाना पड़े तो लाना पड़ेगा, जैसे कि 370। ठीक है, सोशलिस्ट, भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, 76 में इसको अमेंड किया गया था, चलो कोई बात नहीं। सेकुलर मतलब सोशलिस्ट होने से और कुछ नहीं, सरकार के हाथ में पावर आ जाता है, और कुछ नहीं। सेकुलर मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई बाधा नहीं होना चाहिए, आप किसी भी धर्म का हो या फिर आप जो भी धर्म चाहते हो आप चूज कर सकते हो। अब कोई बोलेगा, आजकल ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि ये धर्म को लेके विवाद देखते देखते लोग बड़े होते हैं,
और फिर मुश्किल ये हो जाते हैं, फिर उनको लगता है ये धर्म चीज़ है ही अच्छा नहीं। मतलब ये मेरा भी एक सा परसेप्शन था जानते हो, कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था जब मैं स्कूल डेज में था या कॉलेज डेज में था, मुझे ऐसा लगता था कि ये रिलीजियन कॉन्सेप्ट ही बेकार है, क्यों लाया, ये गीता का कोई मतलब नहीं है, कुरान का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी तो मुझे कृष्ण भगवान, शिव भगवान, हजरत मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, इनको विलेन लगता है। लेकिन सर दे आर एक्चुअली नॉट विलेन, विलेन तो हम लोग हैं, ये लोग तो हीरो हैं, ये लोग तो कोशिश कर रहा है कि जीना कैसे जाए उसको समझाने का, बट हम लोग जीना ही नहीं चाहते। ठीक है, कुछ लोग है मतलब जो कुछ लोग अभी भी दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो धर्म के बारे में समझते ही नहीं है, उनका मतलब लगता है कि धर्म मतलब वाद विवाद, धर्म मतलब तुम ऐसा हो हम ऐसे हैं, ये वाद विवाद, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है जीने के तरीके लिए। ये और भारत इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसलिए है बिकॉज भारत दुनिया में 140 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर इतना लिबर्टी तो किसी भी देश में नहीं है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं, चलो ये देखो सर, ये आपके सामने में बांग्लादेश रिलीजन को रखा, ठीक है। अब देख लो कि देश का बात कर रहा हूं, ठीक है, अब कौन सा देश किस तरह से बनता है उससे आपको समझ में आएगा उसका सोच कैसा है। ठीक है, ऐसे तो बांग्लादेश बोल के कोई कंट्री था ही नहीं, बट इसको जबरदस्ती बनाया गया, चलो पाकिस्तान जबरदस्ती इसको छीन छान के बना दिया। अब यहाँ के लोगों का कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट देखो, बात करते बंगाली में, बंगाली इज अ संस्कृत वर्ड्स, ठीक है, संस्कृत से आया है। अब कोई बोलेगा सर प्रूफ दिखाओ, आपको मैं फिर लिंग्विस्ट पढ़ने के लिए बोलूंगा। ठीक है, भारत का सारा भाषा संस्कृत से आया है और साउथ में कुछ भाषा है जो द्राविड़ से आया है, सारा का सारा। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ है जो तिब्बतन और म्यांमारी लैंग्वेज का मिक्सअप है, बट उसे भी संस्कृत का एक फोर्स मिला है। सर जस्ट लुक एट हियर, दिस इज द रिलीजियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस में बांग्लादेश का हालत देखो। बांग्लादेश में 90% इस्लाम है, 8% हिंदू है, 0.6% बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी 0.3 है और आदर से 0.14। ठीक है, लेकिन पहले का बांग्लादेश ऐसा नहीं था। ये देखो सर, कन्वर्जन हुआ था मुगल एरा का, बात मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, बट फिर भी देखो 41 के मतलब पार्टीशन के टाइम पे, ठीक है, बांग्लादेश में 28% हिंदू था, ठीक है, आदर्श थे 1.7, इस्लाम थे 70%, बट लुक एट यर, इस्लाम हो गया यहाँ पर 85%, ठीक है, हिंदुइज्म 13.5% एंड आदर्श, मतलब डे बाय डे कम हो गया। ठीक है, कहाँ 28 था वहां से आधा हो गया, ये बांग्लादेश का हालत है। अभी आप पाकिस्तान को देखो, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस का सिचुएशंस बता रहा हूँ मैं आपको, अब उसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकता है बट मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। नाउ लुक एट द पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस्लाम है 47 के टाइम पे, इस्लाम था पाकिस्तान को ओवरऑल रीजन में 69%, हिंदू थे 24-25%, बाकी सिख थे 6%, आदर्स थे 1%। ये 47 के टाइम का बात कर रहा हूँ, और आप आज का पाकिस्तान देख लो, नाइन्टी सेवन परसेंट इस्लाम है, हिंदुइज्म है 2%। कहाँ गए इतना सारा हिंदू, क्या सबको ही छोड़ के आ गए थे? बहुत लोग छोड़ के आए थे आई नो, बट सबको ही नहीं छोड़ा था। तो मतलब इतना भी रिलीजियस प्रैक्टिस कोई नहीं कर सकता। चलो भारत दिखाऊं आपको, चलो भारत देख लो, यह है भारत। भारत का रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्या है? करेंटली भारत में ऑलमोस्ट 80% हिंदुइज्म है, इस्लाम 14.2, क्रिश्चियनिटी 2.3, सिखिज्म 1.7, बुद्धिज्म 0.7 और बाकी ट्राइबल रिलीजियंस भी बहुत सारा है, जैसे कि सारनाइज्म, बोनाइज्म, किरत मुंडन, ये सब कुछ। जैनिज्म भी 0.4% है और कुछ इरिलीजियन भी है 0.25%। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिलीजियस प्रैक्टिस का जो फ्रीडम हमारे देश में है उसका प्रूफ। देखो सर, सर 51 में भारत में मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे 84% हिंदुइज्म हुआ करता था, अभी भारत में 80% हिंदुइज्म है फॉलो करने वाले, मतलब 6% यहाँ पर गायब है। इस्लाम फॉलो करने वाले 9.8 थे, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में अभी 15% है। क्रिश्चियनिटी 2.3 था, 2.3 है, सिखिज्म 1.79 था, कम होके 1.72 हो गया, बुद्धिज्म 0.74 था,
और कम हो गया, लद्दाख का हालत बहुत खराब कर दिया, लद्दाख में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट प्रैक्टिस थे, बहुत खराब कर दिया, लद्दाख में 0.74 से 7.70 आ गया, जैनिज्म 0.46 से 0.37 हो गया, इनका कुछ अलग रीजन है, जोरोस्ट्रियंस 0.13 से अभी नॉट काउंटेड में आ गए, और बाकी अदर रिलीजन 0.43 में 0.88 में आ गया। तो ये है भारत में रिलीजियस प्रैक्टिस का लास्ट 50-60 साल में ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं आपको एक इंडिपेंडेंट सोर्स से ही सब बता रहा हूँ जो ग्लोबल है, मतलब बेसिकली वर्ल्ड बैंक या फिर IMF, जो भी रिलीजियस, मतलब बेसिकली ये सब डेटा तो इंसाइक्लोपीडिया भी रखते हैं, तो एक न्यूट्रल सोर्स है, ठीक है। तो ये है हमारे देश में रिलीजियस सेकुलरिज्म का, मतलब बेसिकली एक एग्जाम्पल जिसमें आप कर सकते हो, पाकिस्तान बांग्लादेश को देखें आप, ठीक है। तो ये है सिचुएशंस, मतलब इंडिपेंडेंस के नाम पे कुछ है ही नहीं, ऐसा हालत है। छोड़ो, चलो आ जाते हैं। आई होप कि आपको फैक्ट दिखाई दिया, मुझे किसी के अगेंस्ट में या खिलाफ में नहीं हूँ मैं बस आपको फैक्ट दिखाया, ठीक है। जिसको जो पसंद है वो करे, उसमें क्या, यही तो भारत है। तो लिबर्टी, जस्टिस, अच्छा ब्रॉड फ्रेमवर्क में बात कर रहे थे, इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स डिटेल प्रोविजंस फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर बात कर रहे थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सॉरी, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सिक्योर्स टू ऑल इट सिटीजन है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, है ना, इक्वालिटी सबके लिए, इक्वल सबके लिए इक्वालिटी होना चाहिए, एंड फ्रैटर्निटी एक भातृत्व बोध, कश्मीर में कहाँ गया था इनको भातृत्व बोध, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। बाकी देश मतलब बेसिकली फ्रैटर्निटी या ब्रदरहुड ये मेंटेन करने का दायित्व तो बाकी भारत का है, ठीक है। लेकिन तो फिर कश्मीर भी क्या कर रहा था, और कोई क्यों आज तक बात करना नहीं चाह। मैं मूवी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अभी तक नहीं देखा, ठीक है, मैं मूवी का प्रमोट बिल्कुल नहीं करूँगा, बट मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इक्वालिटी है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं है, क्यों कश्मीर, एक कश्मीर से इतना सारा हिंदुओं को क्यों भगाया गया, क्यों, ये कैसे जस्टिस हुआ फिर, और इसके इसके बारे में सरकार उस उन दिनों का सरकार क्यों नहीं बात किया, क्यों उनको जस्टिस देने के लिए काम नहीं किया। और आज का सरकार 370 हटाया, अब मैं मुझे आगे देखना है कि सिर्फ 70 हटाने से नहीं होगा, इक्वल जस्टिस सबको मिलना चाहिए, तभी मानूंगा कि सरकार ने कुछ किया है। हाँ, 370 हटा के बेसिकली जगह कर रहा है, ये तो दिख रहा है, अब आगे देखना है कि भारत में हर धर्म के लोग हर जगह में रह सकता है, एकदम खुले मन से रह सकता है, खुले प्रैक्टिस से रह सकते हैं, तभी संविधान का सही पालन होगा ना। लेकिन तो फिर पहले का सरकार संविधान का पालन कहाँ किया था, अभी किसी को मार के भगा रहे तो फिर भागो, और उसके हित में बात नहीं किया कभी भी। अगर 5 जन को भी भगाया तो 5 लाखों का, तो 5 जन को भी भगाया तो फिर किसी ने भी, कोई भी करे, पाकिस्तान के मदद से करे, लोकल करे, मिलिटेंट करे, जो भी करे, क्यों करेगा। एक तो जात के बारे में दो देश हो चुका, तो फिर कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन तो होना चाहिए ना सर, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी के लिए नियम लागू होता है और किसी के लिए नियम लागू नहीं होता। इसके बारे में हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को एक इक्वालिटी होके सोच विचार करना चाहिए, मतलब किसी एक धर्म का प्रमोट किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन बात है जस्टिस का, बात है फ्रैटर्निटी का, भातृत्व बोध का। जैसे नजरुल इस्लाम का एक बहुत फेमस कविता मुझे याद आ रहा है फ्रैटर्निटी से, कि मोरा याकी ब्रिंते दुईटी कुसुम, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम तर नयन मुनि, हिंदू तहर प्राण। बट बस इसको मेंटेन करने का एक ही साइड से बेड़ा उठाया गया, दूसरा साइड नहीं उठाएगा। क्वेश्चन सर, बिकॉज जात पात के आधार पे बात कर रहा हूँ, बाकी और भी बहुत सारा आपके पास हो सकता है कि दूसरे जगह में मुस्लिम को भी पीड़ित किया गया है, यस छोटा मोटा ऐसा भी है, लेकिन हर चीज के पीछे की आतंक का भी बात होता है, ठीक है। आतंकवादी का भी सिनेरियो देखा गया, जैसे गुजरात में पहले तीर्थयात्री का ट्रेन पे बॉम्ब रखा गया, चाहे मदद किसी का भी हो, उसके बेसिस में गुजरात में आतंक फैला था, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। लेकिन बात ऐसा है कि किसी एक पार्टी के तरफ से थोड़ी ना होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए ना, तो दैट्स अ बिग इशू।
अब ये सर मैं इसलिए मैं शुरू में बोला था आज का क्लास थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल फीलिंग आएगा, बट मैं कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ और ये जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी को समझाने के लिए क्यों संविधान ने ऐसा किया, इसलिए आपको इतिहास का भी नॉलेज कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा देने का, ठीक है। और यही रीजन है, यही रीजन है कि ये फ्रैटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी नहीं तो बोलने का कोई मतलब नहीं था। अगर सबका ऑब्जेक्टिव सेम होता तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ता इक्वालिटी बताने का, फ्रैटर्निटी बताने का, ठीक है, इतना जरूरत ही नहीं पड़ता। चलो सर आगे बताते हैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्व्स, thereby affirming to the republican character of the polity and sovereignty of the people. The polity assured to the people of India by the constitution is described in the preamble as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. The expression sovereign signifies that republic is externally and internally sovereign. मतलब भारत देश बाहर से भी और अंदर से भी अखंड रहेगा। अखंडता मतलब समझ रहे हो ना सर, unity, okay? Sovereignty in the strict and narrowest sense of the term implies independence all around. इंडिपेंडेंस ऑल अराउंड, हर तरह से इंडिपेंडेंस, हर तरह से। जैसे इंडिपेंडेंट का बात करने से मेरे को ट्रिपल तलाक याद आता है, आई होप आप लोगों को भी आ रहा होगा, जो मुसलमान महिलाओं के साथ जो प्रॉब्लम था, शादी करते थे फिर तीन बार तलाक बोल के तलाक हो जाता था। ऐसे बाकी सेक्ट के अंदर क्रिश्चियन हिंदुइज्म के जो भी फॉलोअर्स हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह से थोड़ी ना आप किसी के इंडिपेंडेंस छीन सकते हो, चाहे रूल किसी भी पुराने नियम में हो, नियम बदलना चाहिए जरूरत के हिसाब से, नियम बदलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया, इतना दिन किसी ने साहस तक नहीं किया था। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इट्स अ बिग मुद्दा, बिकॉज एक सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके मॉडर्न डे के हिसाब से काम करना, और ये बहुत अच्छा संवैधानिक काम हुआ है। अब कोई बोलेगा ट्रिपल तलाक मेरा फंडामेंटल राइट है, हाँ सर ट्रिपल तलाक हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर ऐसा कोई भी बोले, कोई भी बोले जो सच्चा मुसलमान है, अगर वो भी बोले तो वो उसका भी जीव टूट जाना चाहिए, है ना। किसी की लड़की की जिंदगी को लेके थोड़ी ना कोई ऐसे होना चाहिए कि भाई कभी भी कुछ भी करे। इवन अरबियन नेशंस जैसे कंट्री, वो भी ट्रिपल तलाक को आज से 50 साल पहले हटा दिया। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा इस्लाम का फॉलोअर्स रहते हैं, तो फिर भारत में भी तो इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सब पुरानी चीजें, जैसे हिंदुइज्म में भी कितना सारा खराबी था, है ना, सतीदाह प्रथा, हाँ बचपन से बाल विवाह करा देना, है ना, कितना सारा खराबी था। हम लोग समय के साथ साथ राममोहन रॉय, विद्यासागर जैसे लोगों के जरिए हम लोग अपने आप को अपग्रेड किए हैं ना, तो ऐसा अपग्रेडेशन 1800 में होगा था तो फिर आज के डेट में क्यों नहीं होगा, चाहे वो कोई भी धर्म का बिलीवर हो, है तो भारत माता का ही संतान। अगर वो भारतीय है, इंडियन है, हिंदुस्तानी है, तो फिर उनके लिए इक्वल जस्टिस होना चाहिए, चाहे वो उसका फेथ कुछ भी हो, चाहे उसके धर्म वाला किताबें कुछ भी लिखा हुआ हो, जस्टिस सबके लिए इक्वल होना चाहिए। और ये एक बहुत ही सुंदर एक संवैधानिक डिसीजन है, और जो सच्चा मुसलमान है वो तो इसको एकदम तहे दिल से इसको स्वागत किया, एकदम बिल्कुल किया, और करना भी चाहिए था। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट सर, ठीक है, अखंडता सोवरेनिटी, ठीक है, मतलब जो आपको क्या बोलने की कोशिश किया, इंडिपेंडेंस ऑल अराउंड सभी के लिए। आज भी अगर समाज में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जैसे मानो कि कोई हिंदू है, लेकिन हिंदू फैमिलीज में भी अभी भी अगर शोषण चलता है, अत्याचार चलता है, चाहे उसका जैसे धर्म किताब के हिसाब से तो हम लोग ऐसे सोचते नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट काम नहीं करता कि भाई तुम रोज सुबह उठ के ये किताब पढ़ा करो तभी तुम सच्चा हिंदू होंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे इंडियंस के कॉन्सेप्ट में है नहीं प्रॉपरली। बट फिर भी अगर कोई भी धर्म के आधार पे कोई भी कुछ भी करता है तो उस रूल में भी चेंज लाना चाहिए, विद इन एंड विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, विद इन एंड विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। एज डिस्कस्ड अबव, लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। मतलब लीगल सोवरेनिटी जो है वो पीपल के ऊपर दिया गया, और पॉलिटिकल सोवरेनिटी मतलब अखंडता देखने का काम राष्ट्र मतलब केंद्र को और राज्य सरकार को दिया गया। सर मैं बहुत देर से बहुत सारा फैक्ट्स और बात कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर आप लोग सुन पा रहे कि नहीं, हाँ ना कुछ तो बताओ सर। हाँ सर। शालिनी, रोशनी, ज्योति, तौथा, ए बोझा जात से तो हेलो। यस सर। ओके सर। है सर।
अब चलो सर आगे आगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है. The democratic character of Indian polity is illustrated in the provisions conferring on the adult citizen the right to vote. 18 साल के बाद आप लोग वोट देते हो, है ना? And by the provisions for elected representative and responsibility of the executive to the legislature. The word socialist added by 42nd amendment, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, to secure its people justice, social, economic and political. The directive principles of state policy contained in part 4 of the constitution, ये सब याद रखिएगा, ठीक है? सर देखो दिल से पढ़ोगे ना हर चीज याद रहेगा, बस याद रखने के लिए याद मत करो क्या के मतलब ऐसा कोई सोचता है ना आई नीड टू रिमेम्बर आई नीड टू रिमेम्बर, नहीं ऐसे नहीं याद नहीं रहता हर चीज को. जब कोई भी लॉ पढ़ते हैं हम लोग, कंपनी लॉ भी क्लास में करते हैं, कमर्शियल लॉ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक लॉ पढ़ते हैं, शेयर मार्केट लॉ पढ़ते हैं, बस मेरा एक ही आपसे विनती है दिल से पढ़ो, दिमाग ऑटोमेटिक स्टोर कर लेगा. बट अगर आपका दिल नहीं आएगा ना तो दिमाग स्टोर करने में 10 बार सोचेगा, ठीक है? सो ये ह्यूमन साइंस है, दिस इज ह्यूमन साइंस. तो ये ह्यूमन साइंस को प्लीज कोशिश करना मेंटेन करने का, पढ़ने के टाइम पे दिल से पढ़ा कीजिए तो ऑटोमेटिक देखिएगा आपको हर चीज याद रहता है. पढ़ने के टाइम पे लिखोगे ना तो पार्ट 4 में लिखा है क्या, पार्ट 3 में लिखा है क्या, कौन से अमेंडमेंट में आया है, ठीक है? आपको हर चीज याद रह जाएगा, मेरा बस यही बोलना है आपको. और पढ़ने के टाइम पे कोशिश करो इंटरेस्ट क्रिएट करने का कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक स्टैंजा पढ़ाया, आपको मन करे कि भाई आगे क्या है पढ़े, जैसे बचपन में स्टोरी किताब पढ़ते थे ना वैसा, कि एक स्टैंजा पढ़ के अगर मजा आ जाए ना फिर किताब के बुक छीन लेते हैं, ये मेरे को दो हम पढ़ेंगे. ऐसे बचपन में कभी कभी ऐसे होता है ना कि घर में जो बड़े होते हैं माँ बापा, है ना, स्टोरी किताब पढ़ के सुनाते हैं, तो अगर पढ़ के अच्छा लग गया और माँ मानो कि चले गए तो हम खुद ही लेके पढ़ना चालू कर देते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि राजा रानी के कहानी में आगे क्या है. तो अगर ऐसा सोच या ऐसा फीलिंग्स आपके अंदर आ जाए ना तो कोई भी कोर्स हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो या कंपनी सेक्रेटरी, सब पानी बात हो जाएगा सर, मतलब एकदम सिंपल हो जाएगा. ओके, तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सोशलिस्टिक गोल एनविसेज्ड इन द प्रीएम्बल. द एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट आवर गवर्नमेंट इज द ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ना ये एक्चुअली हमारे देश को बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल, मतलब पब्लिक के लिए, पब्लिक के जुन्नो, ठीक है, और सब कुछ पब्लिक के लिए, जनता के लिए ही सरकार है. तो ये सिस्टम से इसको बनाया गया. सर ये मैं आपको पहले ही बताया कि फेडरल और यूनिटरी, भारत सरकार फेडरल है कि यूनिटरी है? सर दोनों है, ऐसे तो क्वासी फेडरल कहा जाता है बट सेंट्रल को थोड़ा ज्यादा पावर मिला है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स. यूनिटरी फीचर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसके बारे में मैं लास्ट वीक बताया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है. द मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ था, वेयर द व्यू दैट द फेडरल फीचर्स फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर देयर आर डिस्कशंस एज टू वेदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम और इट स्टिपुलेट्स अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विद सम बेसिक फेडरल फीचर्स, दस टू डिसाइड whether constitution is federal, unitary or quasi-federal, it would be better to have look at the contents of the constitution. The essential features of federal policy, federal matlab basically central, okay? Central policy or systems are dual government, that is distribution of powers, supremacy of constitutions. Constitutions ka chalega, Sangvidhan ka hi chalega, independence of judiciary, written constitutions, matlab haath mein likha hua constitutions and rigid procedures. ठीक है, ऐसे भारत का संविधान हाथ में ही लिखा गया था. रिजिड प्रोसीडियर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थोड़ा रिजिड है, ठीक है, तो इतना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है सर, ठीक है, रिजिड होना भी चाहिए. रूल बाद में बदल नहीं सकते, है ना, आप अपने जिंदगी का ऑब्जेक्टिव रोज बदलोगे तो कहीं पर नहीं पहुंचोगे. अगर आपको कुछ बनना है, अगर सीए बनना है तो रिजिड होके सोचो, सीएस बनना है तो रिजिड होके सोचो, सीएमए बनना है तो रिजिड होके सोचो, जो भी बनना है आपको, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, रिजिड होके सोचो, रोज रोज जिंदगी का ऑब्जेक्टिव नहीं बदलना चाहिए. द पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एज द अफोर्सेड एसेंशियल ऑफ अ फेडरल पॉलिटी एज बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर द स्टेट्स टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन. देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. The Supreme Court stands at the head of our judiciary to guard against the violation of the constitutional provisions. अगर कहीं पर भी constitutional provisions violate होता है, उसको देखने के लिए Supreme Court है, आपको भरोसा करना चाहिए. The Supreme Court decides dispute between union and states.
और द स्टेट्स इंटर से दे इंटरप्रेट फाइनली द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जरूरत पड़ने से कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के में जो भी लिखा है उसको फिर से इंटरप्रेट करने का जरूरत हो सकता है। ऐसा नहीं कि लिख दिया तो लिख दिया, जरूर उसके बारे में बाद विचार सोच विचार करना चाहिए। द क्वेश्चन एज टू वेदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विद सम फेडरल फीचर्स केम अप इन वेरियस केसेस ऑफ बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, बट इन मोस्ट केसेस द ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है एंड हैव टू बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंगली। सर हर एक चीजों का ना एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, द क्वेश्चन रेस्टली मोस्ट ऑन वैल्यू जजमेंट दैट इज वंस ओन फिलोसॉफी, वैल्यू जजमेंट एंड ओन फिलोसॉफी, मतलब अलग अलग फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, इसीलिए सर आज सुबह से जो भी बात मैं कर रहा हूँ काफी फिलोसॉफिकल लग रहा होगा आपको। ठीक है, काफी ज्यादा ऐसा लग रहा होगा, ये सब तो फिलोसॉफी है ना, जिंदगी देखने का दर्शन है ना। जैसे कि अभिषेक बोल रहा था, कोई किसी को लगता है मेरा वाला सही है, किसी को लगता है मेरा वाला सही है। ठीक है, तो इसको लेके ना वो रामकृष्ण परमहंस, आप लोग जानते हैं कि आई डोंट नो, स्वामी विवेकानंद का गुरु जी एक बहुत अच्छा बात कहा था। क्या बोला था, कौन बोलेगा, रामकृष्ण परमहंस अगर कभी दक्षिणेश्वर टेम्पल विजिट करते हो तो आपको एकदम गेट के सामने ही देखने को मिलेगा। कोई देखा कभी दक्षिणेश्वर विजिट किए कभी किसी ने भी, काली टेम्पल? अरे ऐसे कोलकाता का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट और तीर्थ स्थान है, अरे कोई तो गए होंगे। हेलो, रामकृष्ण परमहंस ये जो अलग अलग ओपिनियन से जो समाज का चलने के बारे में एक बहुत अच्छा बात किया, क्या बोला किसी को पता है? फेमस बात है इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर? हेलो, यस सर, मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ कि रामकृष्ण देव ने ऐसे क्या कहा, जातो मौत तोतो पौत, हाँ सर, यस सर, है ना, है ना, तभी तो जातो मौत तोतो पौत, दैट मींस मतलब एज देयर इज मेनी ओपिनियन देयर इज लॉट्स ऑफ वेज। ठीक है, ओपिनियन भी अलग अलग है और वे भी अलग अलग है, लेकिन एक चीज उन्होंने उसके साथ जोड़ के कहा था, जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग पर्वत से निकलते हैं लेकिन जाते तो समुन्द्र पे ही है, और पूरा भारत दुनिया का जो समुद्र है ना, चाहे नाम कितना भी अलग कर दो समुन्द्र एक ही है। ठीक है, चाहे इंडियन ओशियन हो, अटलांटिक हो या पैसिफिक हो, समुन्द्र इज ऑनली वन, बट रिवर सिस्टम अलग है। ठीक है, कोई हिमालय से आता है तो कोई आल्प्स से आता है, तो कोई किसी झरना से क्रिएट हुआ है, तो कोई आंधी से निकला है, लेकिन गिरा तो सभी समुन्द्र में आके। ठीक है, तो चाहे किसी भी धर्म या किसी भी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट कितना भी अलग क्यों ना हो, बट अल्टीमेटली वो ह्यूमैनिटीज का ही बात करता है। ठीक है, तो ये रामकृष्ण परमहंस का फिलोसॉफी, गजब फिलोसॉफी है सर। उनका फिलोसॉफी जो है वो सारा का सारा गीता का ही फिलोसॉफी है, अगर कभी आप उनको समझोगे तो पता चलेगा। फंडामेंटल राइट्स सर, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, जानना चाहिए ना, संविधान पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स नहीं जानेंगे, जानो। लेकिन सर फंडामेंटल राइट्स का मतलब जानने के बाद इसका मिसयूज करोगे ना तो सरकार आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि क्या मिसयूज होता है मैं बताता हूँ सर। राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि आपको मैं बोला कि सबको इक्वल नजर से देखना चाहिए। ठीक है, हर कोई इक्वल है, कोई ऊंचा नीच नहीं है। हाँ, कैपेसिटी के हिसाब से कोई रिच हो सकता है, कोई मिडिल क्लास हो सकता है, कोई लोअर मिडिल क्लास हो सकता है, कोई पोअर हो सकता है, पर सर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मुझे एक चीज बताया, कोई कोई किसी किसी का सोच ऐसा होता है कि अगर क्या समाज में कभी ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि हर कोई सिमिलर पैसा कमाता है, ऐसा कभी भी हो सकता है? चाहे वो समाज सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट में बना दो, चाहे वो समाज कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट में बना दो, इज इट रियली पॉसिबल? प्लीज ट्राई टू मतलब आंसर मी कि क्या हम कभी भी ऐसा कर सकते कि समाज में हर कोई रिच है, एवरीबडी 140 बिलियन रिच ही होंगे, मतलब सब कोई रिच है, 140 बिलियन पॉपुलेशन रिच है, मतलब 140 करोड़ लोग, ठीक है 1.4 बिलियन, या फिर सर हर कोई मिडिल क्लास या हर कोई पोर, हर कोई पोर, ऐसा होगा कभी भी ऐसा होगा? क्या लगता है आप लोगों को, प्रैक्टिकली क्या लगता है, इज इट रियली पॉसिबल? ना सर, मतलब इक्वालिटी
का मतलब क्या इनकम के थ्रू से इक्वालिटी का बात चल रहा है? ना सर, इक्वालिटी का मतलब देखो इनकम डिफर करेगा, सबका कैपेसिटी सेम नहीं है, सबका एफिशिएंसी सेम नहीं है, तो फिर आप कभी भी ऐसा इक्वालिटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। बट हाँ, ऐसा भी खराब बात है जैसे कि कोई बहुत ज्यादा रिच है और समाज में इतना रिच है और उसके नीचे जो है वो सब गरीब ही गरीब है, मतलब कुछ लोग बहुत बड़ा है और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है, ऐसा खराब बात है, वो तो इनइक्वालिटीज है, वो बात अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि समाज में कुछ लोग सिर्फ लूटते जा रहे हैं और कुछ लोग, जैसे शोषण होता था हमारे साथ पुराने टाइम पे, ठीक है, जैसे बहुत लोग ताजमहल के बारे में बात करते हैं, आपको बता दो एक स्पेशल बात है, ताजमहल जो दिल्ली में आप लोग हम लोग विजिट करने जाते हैं, चलो जाना भी चाहिए, स्थापत्य है, क्यों नहीं जाए, बट सर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था जिस टाइम पे ताजमहल बना था, अगर हो सके तो रिसर्च करके देख सकते हो सर, उन दिनों ताजमहल 9 करोड़ रुपए से बनाया गया था, लेकिन भारत में उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा था, ठीक है, कि मैं आपको बोल के नहीं मतलब सुना नहीं सकता, मतलब जिस टाइम पे ताजमहल बनाया गया था उस टाइम के शासक से, ठीक है, तो उस टाइम तो मतलब बेसिकली बादशाहों का टाइम था, ठीक है, तो 9 करोड़ उन दैट पीरियड 1600 में, जिस टाइम पे पूरा देश महामारी से गुजर रहा था, और महामारी मतलब आज का क्या महामारी, दिन दहाड़े लाश पड़ा रहता था, बिकॉज साइंस उतना डेवलप नहीं था, ऐसे वैक्सीनेशन सिस्टम भी नहीं था दुनिया में, मतलब महामारी का मतलब एक एक्सट्रीम लेवल, इसके लिए आपको इतिहास देखना पड़ेगा, ठीक है, आप चाहो तो खोज खबर कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसा ना करें, ये इनइक्वालिटीज है, ऐसा कोई भी करे कहीं भी करे ये इनइक्वालिटीज है, ठीक है, गरीबों को मार के आप ताजमहल नहीं बना सकते। तो मुझे कभी कभी लगता है कि अगर ऐसा है, जब से मुझे ये सच पता चला है मेरे को डाउट हो गया कि सच में ताजमहल वंडर्स में आना चाहिए, मतलब आप ऐसे स्थापत्य को दर्जा देना चाहिए जो समाज के हित में हुआ हो, है ना, जो इंसानियत के हित में हुआ हो। चलो सर, आपको फिर से लगेगा कंट्रोवर्सी, बट नहीं सर, मैं कंट्रोवर्सी नहीं किया, मैं बस आपको इतना कहने का कोशिश किया कि समाज के बाहर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, यही है संविधान। इक्वालिटी मतलब इनकम बराबर होगा ऐसा तो कभी संभव नहीं है। समाज को चलाने के लिए जैसे राजा का जरूरत है, बिजनेसमैन का जरूरत है, क्लार्क का जरूरत है, ठीक है, जो हमारे घर से सुबह सुबह मतलब जो भी कूड़ा खरीद लेके जाते हैं, मतलब बेसिकली जो डस्टबिन वगैरह का जो काम करते हैं, ठीक है, कूड़ा कटकर का काम करते हैं, उनका भी जरूरत है, बिना हर एक का योगदान से समाज बनते हैं, और सभी सभी कोई अपने कर्म के अनुसार वो कॉन्सेप्ट में जीते हैं, जमादार का भी जरूरत उतना ही है। तो इक्वालिटी का मतलब इनकम वाइज नहीं, इक्वालिटी मतलब रेस्पेक्ट वाइज, ह्यूमैनिटी वाइज, ये होता है इक्वालिटी, जो एक्चुअली हमारे देश का बहुत ही प्राचीन कल्चर है, जिसके बारे में बात करके स्वामी विवेकानंद शिकागो रिलीजियन में दुनिया को जीता था, वही था ह्यूमैनिटी, ठीक है, वो हिंदू रिलीजियन को ही रिप्रेजेंट करने गया था, अगर आप नहीं जानते तो आप जरूर पढ़ा कीजिए, हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करने गया था, और स्वामी विवेकानंद तो पूरा दुनिया भर के लोगों के सामने क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बाकी और कोई इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जितना विवेकानंद पॉपुलर हुआ था, इसके पीछे मेन रीज़न नहीं था कि हमारा धर्म ह्यूमैनिटीज़ का बात करता है। सर फिर भी कुछ प्रॉब्लम था सर, एक्चुअली वो प्रॉब्लम कुछ ख़राब लोगों ने हमारे अंदर घुसाया था, ठीक है, अब उसी को उठा के बात करेंगे तो अच्छा ही, सच्चाई कहाँ से मिलेगा। तो राइट टू इक्वालिटी आज भी संविधान का उतना ही ताकतवर चीज़ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, सबको संविधानिक अधिकार है अपने हक के लड़ाई लड़ने के लिए, किसी के साथ कुछ भी खराबी हो उनको संविधान उनका अधिकार देगा। राइट टू फ्रीडम, यस, आपका फ्रीडम कोई नहीं छीन सकता, चाहे आप कोई भी धर्म, जाति, कास्ट, किसी भी जगह से हो, चाहे वो कोई भी करे, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यस, आपका कल्चर एंड आपका एजुकेशनल राइट कोई नहीं छीन सकता, बट सर फिर भी कुछ पॉइंट है आगे बताऊंगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मैं इससे पहले बात कर चुका आपसे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम हिंदुइज्म फॉलो करेंगे, हम क्रिश्चियनिज्म फॉलो करेंगे, हम बुद्धिज्म फॉलो करेंगे, हम सिखिज्म फॉलो करेंगे, हम इस्लाम फॉलो करेंगे, ये हमारा पर्सनल मानना है, ठीक है, और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको हमारे देश में मिलना चाहिए।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, एंड राइट टू फ्रीडम. तो आई होप कि आपको समझ में आया कि हमारे देश का मेन मेन फंडामेंटल राइट्स है. बट कुछ एक्सेप्शन है क्या सर? यस, एक्सेप्शन है. कब एक्सेप्शन होता है उसको सुनने के लिए वेट कीजिए, मैं बताऊंगा. अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा. द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू सिक्योर द पीपल लिबर्टी ऑफ थॉट. आपके भावनाओं पे आप पूरा स्वाधीन हो, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ओरशिप, इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. विद दिस ऑब्जेक्ट द फंडामेंटल राइट्स आर एनविजेड इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पॉइंट टू बी नोटेड. हाँ, पार्ट थ्री से पहले मैं पार्ट फोर में भी बात किया था. पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सिक्स कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताया. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, राइट टू इक्वलिटी सेक्शन 14 से लेके आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंदर बोला गया. ठीक है, राइट टू फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 19 से लेके 22 के अंदर बोला गया. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में 23 से 24 में बोला गया. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में 25 टू 28 में बोला गया. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में आर्टिकल 29 एंड 30 में बोला गया. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आर्टिकल 32 में बोला गया. ठीक है सर, ये आर्टिकल आपको थोड़ा याद रखना चाहिए. आप जरूरत पड़ने से अलग से आर्टिकल में जाके आर्टिकल को पढ़ सकते हो. प्रीवियसली द राइट टू पॉवर्टी अंडर आर्टिकल 31 वॉज ऑल्सो गारंटीड एज ए फंडामेंटल राइट विच हैज बीन अमेंडेड बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978. नाउ राइट टू प्रॉपर्टी, पॉइंट टू बी नोटेड सर. ठीक है, पहले ना राइट टू प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार होता था, फंडामेंटल राइट्स होता था, लेकिन प्रॉपर्टी में फंडामेंटल राइट हटाया गया. आपको पता है आप जिस घर में रहते हो उस घर में रहना आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है. हेलो, क्या आपको पता है आप जिस घर में रहते हो उस घर में रहना आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है? मतलब आप कभी नहीं बोल सकते थे ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ये कोई कैसे छीन सकता है. नहीं, ये आपका लीगल राइट है. सर ऐसा क्यों? आपके मन में क्वेश्चन आ गया ना, सर मैं जहां रहूंगा वहां पर मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है, मेरा लीगल राइट है. यस, प्रॉपर्टी में लीगल राइट है. ये अमेंडमेंट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में. इसमें कम्युनिस्ट को क्रेडिट देना चाहिए, CPIM वेस्ट बंगाल में भी इन्होंने इस मैटर को बहुत अच्छे से एप्लीकेबल करवाया था. ठीक है, और इसके ऊपर बहुत आंदोलन किया, और सेंट्रल में भी इस मैटर को एकदम जबरदस्त एस्टेब्लिश किया था. एक्चुअली रूल काफ़ी पहले से ही था, लेकिन इसको भारत देश में सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने करवाया था, मतलब आंदोलन करके और सत्ता में रह के भी, बंगाल में सबसे पहले हुआ था CPIM के टाइम पे, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको एप्लीकेबल करवाया. सर क्या कॉन्सेप्ट है? सर जमींदारी सिस्टम को हटाना. आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर? कभी कभी थोड़ा हाँ ना बता दीजिएगा. yes. सर 1977 में वेस्ट बंगाल में CPM सरकार आया था. ठीक है, उसके बाद 2011 तक CPM का ही शासन चला है. ठीक है, बट CPM का जो अच्छा बात है वो मैं करूँगा. मतलब बेसिकली ये ज़मींदारी सिस्टम को हटाने में. ठीक है, मतलब मेरे पास ज़मीन है तो मैं ही ज़मींदार बन के रहूँगा और देश के अंदर बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, जो इक्वलिटी का बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली इक्वलिटी पे ही बात हुआ, और इसको CPIM ने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया. तो बहुत ही ट्रेमेंडस काम था, एकदम क्रेडिट, फुल क्रेडिट गोज़ टू CPIM. और फिर सेंट्रल में भी ये मैटर फैल गया, और ज़मींदारी पैटर्न पे ज़मींदार के पास एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ज़मीन नहीं रह सकता, और बाकी ज़मीन सरकार अपने हाथ पे लिया था और आम आदमी के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसका पट्टा डिस्ट्रीब्यूट किया था. पट्टा मतलब ज़मीन का यूज़ करने का राइट. ओके, तो लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट ये लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप जमीन के प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट वाले नहीं बनोगे. अगर आपके पास जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है आपका, उसमें आपका लीगल राइट हो सकता है कि हाँ मेरा लीगल राइट है, मैं इस टाइम पे खरीदा था, मैं इसमें रहता हूँ और इसमें रहने का मेरा लीगल राइट है. लेकिन अगर कभी सरकार चाहे किसी कारण से वहाँ उस जमीन पे कुछ ब्रॉडर कॉज भी कुछ होने वाला है, तो आपको शायद वहाँ से हटना पड़ सकता है. जैसे सियाला सेक्शंस में मेट्रो बना, गंगा के नीचे जो मेट्रो है,
वहां पर जो लोग रहते थे उनको वहां से हटने के लिए बोला गया, उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा जमीन है मैं हटूंगा नहीं, प्रॉपर्टी पे राइट आपका है नहीं, ठीक है। जैसे आप देखोगे यूएस वगैरह में प्रॉपर्टी राइट होता है, ठीक है, तो किसी किसी जगह में अगर मेरा प्रॉपर्टी है मैं हटूंगा नहीं, तो रस्ते के अंदर प्रॉपर्टी है, सरकार को रोड बनाना है तो वो घर को रख के रोड बनाना पड़ता है। अगर आपका प्रॉपर्टी में हक आ जाए ना तो कानूनन आप कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉपर्टी में आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका लीगल राइट है, तो इसलिए सरकार इस मैटर पे कार्रवाई कर सकता है। सर बोलो, समझ में आया? तो पहले 31 का पार्ट था, बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अमेंड किया गया। ये काफी वाइटल इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 12 एंड 13 डील विद डेफिनेशन ऑफ स्टेट लॉ, स्टेट एंड लॉ रेस्पेक्टिवली। आर्टिकल 33-35 डील विद द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। आगे आगे और भी बात करते हैं सर। नाउ नो फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज एब्सोल्यूट, पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों सर? फंडामेंटल राइट मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, एब्सोल्यूट नहीं है। And reasonable restriction can be imposed in interest of the state by valid legislation, and in such case, the court normally would respect the legislative policy behind the same. Fundamental rights क्यों नहीं आपसे पूरा का पूरा मिलता है? Absolute क्यों नहीं है? Partial क्यों है? इसलिए है क्योंकि fundamental rights को use करके आप देश का integrity को तोड़ना चाहते हो, आप देश को खत्म करना चाहते हो, जैसे कि कश्मीर में हुआ है। इसीलिए कोर्ट इसमें इंटरवेन कर सकता है। कश्मीर में मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसी कारण से पाकिस्तान को मौका मिल जाता है। आप समझ रहे हो सर? आपको मैं एक बिग फैक्ट बताता हूँ। रिलीजियन का दुहाई देके देश को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। कोई पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में बात करूँगा। सर आप लोगों को पता है चाइना पाकिस्तान के अंदर एक रोड बना रहा है और उसमें भारत का जगह इस्तेमाल किया? पता है क्या आप लोगों? नो सर। चलो मैं आपको दिखाता हूं। है सर। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। सर इस कॉरिडोर से चिंता होना चाहिए भारतीय को। क्यों? बिकॉज भारत का मतलब भारत का जो सर है ना, सर मतलब हेड, हमारे हेड को चीड़फाड़ कर दिया किसने? चाइना ने। क्यों? पाकिस्तान के कारण। और पाकिस्तान ऐसा क्यों कर लिया? बिकॉज इंडियन पॉलिटिशियंस ने राजनीति करके भारत को तोड़ दिया। सर ये पाकिस्तान बांग्लादेश का बात नहीं कर रहा हूं मैं, 47 का बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी का आपको एक रियल फैक्ट बता रहा हूं। ये पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर कहां से बनाया जानते हो? पीओके से, मतलब जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान हड़प के रखा है और जो कश्मीर का हिस्सा चाइना हड़प के रखा है अक्षय चाइना के नाम पे। ये भी भारत सरकार का वीकनेस था, जो पहले के टाइम पे मतलब 1960s, 70s, 80s के टाइम पे इन लोगों ने आवाज तक नहीं उठाया। और देखो चाइना किस तरह से हमारा सर के ऊपर से रास्ता बना रहा है। मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो सर, ये ऐसा रास्ता है, ये हमारा भारत का काराकोरम हाईवे। काराकोरम भारत का ही, जैसे हिमालय है ना, हिमालय का एक अलग रेंज है जिसका गॉडविन ऑस्टिन और K2 इंडिया का ही मतलब हाईएस्ट पीक हुआ करता था, लेकिन ये पाकिस्तान जबरदस्ती हड़प के रखा है। अब भारत चुप इसलिए है क्योंकि दंगा हो जाएगा, झमेला हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मैप देखो आप, ये रास्ता कहां से बन रहा है और कैसे बन रहा है। दिस इज द रोड। ये देखो सर, ये जो चाइना से है, ये चाइना, ठीक है, ये जो रास्ता बन रहा है, ये जो एरिया है ना, ये भारत का एरिया है, ये पूरा भारत का है और ये रास्ता बन रहा है इस तरह से। दिस इज टोटल इंडिया का है। मैं आपको इसका रियल मैप दिखाता हूँ अभी। और ये रास्ता चाइना होके मतलब चाइना मतलब तिब्बत, जो चाइना ने हड़प के रखा, तिब्बत होके पाकिस्तान के यहाँ से निकल के इधर तक आता है गदर पोर्ट तक,
गदर मतलब आप लोगों ने जो मूवी देखा गदर, अरे मूवी देखा कि नहीं देखा? यस सर। गदर एक प्रेम कथा, बहुत ही पुराना मतलब बहुत ही सक्सेसफुल मूवी था, सानी देओल और एक्ट्रेस का नाम भूल गया, एक्ट्रेस का नाम क्या है याद नहीं आ रहा है। उसका सुन रहा हूँ गदर का पार्ट टू बन रहा है, आप लोगों ने सुना? मेरे को ऐसे सुनाई दिया। ये देखो सर, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये चाइना, जिस पार्ट से चाइना दिख रहा है उसके बाद बाकी जो पार्ट है वो एक्चुअली भारत के ऊपर से जा रहा है। लुक एट दिस, ये देखो सर, इंडिया के ऊपर से आ रहा है, ये इंडिया का एरिया है, इंडिया के ऊपर से ये रास्ता इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट का फायदा उठा के, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट रिलीजियस मैटर पे चला जाता है। मतलब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान ले रहा है ना, ये पूरा मुद्दा रिलीजियस मैटर पे है, क्योंकि कश्मीर का जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहता है। और इसी फायदा उठा के कश्मीर के अंदर इतना झमेला पैदा कर रहा है, झमेला करके भारत को बेसिकली तोड़ रहा और कुछ नहीं, और चाइना को भारत के अंदर लाने आने का पावर दे रहा है। अब बात समझ रहे हो सर? ये एरिया है, ये एरिया, इस तरह से चाइना यहां से रास्ता बना रहा है, यहां से श्रीनगर के थोड़ा से ऊपर से जाता है इस तरह से। ये जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, और ये कान चाइना हड़प के रखा है हमसे। तो हमारा जो लद्दाख का पार्ट ले लिया और हमारा कश्मीर का पार्ट ले लिया, और इस तरह से चाइना बना रहा है कॉरिडोर, बन गया, ऑलरेडी बन चुका है, बट भारत यहाँ पर से अभी चाइना का पैसा फंसा हुआ है और इधर तक जाता है। ये है गदर पोर्ट, ये है गदर पोर्ट। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे और देश का इंटीग्रिटी को तोड़ दोगे। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं सर? फंडामेंटल राइट्स का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी करके देश का इंटीग्रिटी को तोड़ दोगे, लोगों को भड़काओगे रिलीजियस एक्टिविटी करके। कश्मीर पे यूथ को भड़काया जा रहा है और यूथ को भड़का के इंडियन यूथ को ही एंटी इंडियन बनाया जा रहा है, और तभी तो पाकिस्तान को हेल्प हो जाता है। भारत का कश्मीर भी पाकिस्तान का कंट्रोल में चलता है। आपको बता दूं सर, ऐसा भी दिन यहाँ है कि श्रीनगर से इस्लामाबाद, ये पिंडी बोलते हैं इसको, रावलपिंडी, यहाँ से यहाँ तक बस जर्नी भी चालू कर देता है अंदर अंदर से। मतलब बेसिकली इस्लामाबाद बहुत ही करीब है श्रीनगर का, ठीक है, मैप के हिसाब से। तो ये लोग यहाँ बैठ के श्रीनगर को कंट्रोल कर लेता है, बिकॉज यहाँ के यूथ को, माइंड को, ब्रेन को वॉश किया गया है और इसमें रिलीजियस मैटर को सामने लाया जाता है। और क्योंकि फंडामेंटल राइट्स रिलीजियस मैटर को प्रमोट करने का बात करता है, और इसको यूज करके कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करके रखो, पीओके को हड़प के रखो, इधर चाइना इधर हमसे पंगा लेते रहता है हमेशा, तो किसी भी तरह से भारत को मार डालो, ये नहीं चलेगा, ये दादागिरी नहीं चलेगा। सो ये बिग कंसर्न है सर। आज चाइना यहाँ है, आज चाइना यहाँ है, कल चाइना यहाँ होगा, परसों चाइना यहाँ होगा, तिब्बत को ले लिया, फिर भारत भारत नहीं रहेगा, भारत चाइना बन जाएगा। ऑलरेडी तिब्बत तिब्बत नहीं है, तिब्बत अभी चाइना है, ठीक है। भारत सरकार तो हमारा दो स्पिरिचुअल स्पेस, मानस सरोवर एंड क्या है ये जानते हैं? ये देखो सर, कैलाश, ठीक है, कैलाश एंड मानसरोवर, ये मानसरोवर है, चाइना लेके रखा, भारत सरकार ने तो इसको भी बचा नहीं पाया। उन दिनों का भारत सरकार, दुख की बात है कि आज कैलाश माउंटेन और मानसरोवर भारत का हिस्सा ही नहीं है, तिब्बत का हिस्सा रहने देते, बट तिब्बत तो चाइना ने हड़प लिया। यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तिब्बत के जो लोग हैं, दलाई लामा, भारत में शरणार्थी है। मतलब ऐसा हालत है सर। आज तो श्रीलंकन्स भी भारत में शरणार्थी के लिए, कल 20 श्रीलंकन्स भारत के तमिलनाडु पे आके ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब भारत शरण दे देगा, आई हो, देखते हैं, चलो। सो बहुत खतरनाक बात है सर। मतलब फंडामेंटल राइट्स का ऐसा मिसयूज बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छा बात है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल, तो जो बात मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था,
कि नो फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट बाय वैलिड लेजिस्लेशन एंड इन सच अ केस द कोर्ट नॉर्मली वुड रेस्पेक्ट द लेजिस्लेटिव पॉलिसी बिहाइंड द सेम. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बना था. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन्स टू हुम द राइट्स आर अवेलेबल द फंडामेंटल राइट्स मे क्लासिफाइड एज फॉलोज. आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 30 आर गारंटेड ओनली टू सिटीजंस. आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 and 28 are available to any person to on the soil of India. जो भी भारत के मिट्टी में रहेगा हर किसी के ऊपर. Citizen or foreigner, the right guaranteed by Article 15, 17, 18, 20, 24 are absolute limitations upon legislative power. Sir, state, when with a few exceptions, all the fundamental rights are available against state under Article 12 unless the context otherwise requires. The government and parliament of India, the government and the legislature of each of the states, all local or other authorities within the territory of India under the control of government of India. ये हर जगह में fundamental rights काम करेगा. But एक बार 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 बोलूंगा आपको, ये fundamental rights आप misuse करोगे तो absolute control आपका fundamentals पे नहीं है. ठीक है, ये बात का please ध्यान रखिएगा. Justifiability of fundamental rights को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा. Article 13 gives teeth to the fundamental rights. It lays down the rules of interpretation in regard to laws inconsistent with or in derogations of the fundamental rights. Existing laws, Article 13, Subsection 1, relates to the laws already existing in force, that is laws which were in force before the commencement of the constitutions. A declaration by court of their invalidity, however, will be necessary before they can be disregarded and declares the that pre-constitution laws are void to the extent which they are inconsistent with the fundamental right. Sir, Article 13, Subsection 1, agar koi purana कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का कोई लॉ अगर भारत में है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को छीनेगा तो उसको इनकॉन्सिस्टेंट कर दिया जाएगा. लेकिन साथ में 13 सबसेक्शन 2 भी यहाँ पर आता है. और 13 सबसेक्शन 2 क्या बताता है सर? द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, आफ्टर द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कम्स इन टू फोर्स, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाई पार्ट 3 ऑफ इफ सच लॉ इज मेड, इट शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच इज कटेड एनी सच राइट. मतलब अगर कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को छीनता है उसको वॉइड माना जाएगा. द वर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस गिवन इन आर्टिकल 13 इटसेल्फ, लॉ का मतलब क्या है? एनी ऑर्डिनेंस जो सरकार लाते हैं, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम और यूजेज. ऐसे तो जो लोग सोर्स ऑफ लॉ का क्लास एग्जीक्यूटिव लेवल में जुरिस्प्रूडेंस क्लास में पढ़ते हो, जो लोग मतलब इंटरमीडिएट लेवल में, ठीक है, उनको ये सब पढ़ाया गया. कस्टम क्या है, यूजेज क्या है, ठीक है, नोटिफिकेशंस क्या है. हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, जो भी इंडियन टेरिटरी में ऑर्डिनेंस चलता है, ऑर्डर चलता है, बाइला चलता है, रेगुलेशन चलता है, नोटिफिकेशन चलता है, कस्टम चलता है, कस्टम मतलब प्रथा, ठीक है, वो भी लॉ है. और यूजेज, वो सभी कुछ लॉ के अंदर आता है आर्टिकल 13. ओके, By the Constitution's 24th Amendment Act 1971, a new clause has been added to the Article 13 which provide nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under Article 368. Article 13 came up for judicial review in a number of cases and courts have been involved doctrine like doctrine of eclipse, severability of prospective overruling, acquisitions, etc. मैं आगे आगे ये सब बताऊंगा आपको, doctrine of eclipse, severability, prospective overruling, acquisitions, etc. for interpreting the provisions of Article 13, जो आगे का चर्चा रहेगा. बिफोर दैट आपको मैं एक बार राइट ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा. सर, आर्टिकल 14 से लेके 18 जो है वो राइट ऑफ इक्वालिटी का बात करता है. इक्वालिटी एंड इट्स वेरियस फैसेट्स, द जनरल प्रिंसिपल्स फाइंड एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 14, पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑफ द राइट आर डील्ड इन आर्टिकल 15, 16, स्टिल मोर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी आर फाउंड इन आर्टिकल 17 एंड 18. इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सबको ही समान, सबको ही समान, ठीक है, यस सर, सबको ही, ठीक है. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सर ये जो पुराने टाइम पे जो जमींदारी टाइटल होता था ना, हाँ, बादशाह, फिर चौधरी, ठीक है, जमींदारी टाइटल. आज भी कोई कोई टाइटल यूज करता है बट टाइटल का फायदा नहीं लेता, ठीक है. फिर ऐसा भी होता था राय बहादुर, ऐसा सुने क्या आप लोग, है ना, खान, हाँ सर, खां, खां बंगाली में ना ऐसे यूज करते हैं, खां, ठीक है. बेसिकली दीज आर द टाइटल फ्रॉम द उर्दू, ठीक है, बट जो जमींदारी सिस्टम पे बादशाह का फॉलोअर हुआ करता था उनको खां इस तरह का टाइटल दिया जाता था, रॉय बहादुर टाइटल दिया जाता था, रॉय चौधरी टाइटल दिया जाता था. चौधरी मतलब बेसिकली जो जमींदार को चौधरी कहा जाता है, हाँ, हिंदी में कहावत है, बड़े चौधरी बन के फिर रहे हो, ऐसे बोला जाता है, ठीक है. तो
दिस काइंड ऑफ जो टाइटल सर टाइटल आज भी यूज होता है वो सरनेम के हिसाब से यूज होता है बट आप टाइटल का फायदा नहीं ले सकते जैसे राजपूत ठीक है आज भी राजस्थान में कुछ पुराने सोच विचार के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को राजा समझते हैं समझते हो ना ठीक है अपने आप को आज भी राजा समझते हैं क्योंकि वो राजपूत थे ठीक है लेकिन ये नया भारत है सर इस पे आपका राजपूती चाल ढाल नहीं चलेगा ठीक है आप राजा थे अभी राजा नहीं हो अब डेमोक्रेसी में राजा तो कॉन्सेप्ट बदल गया ना सर हेलो समझ में आ रहा है सर ऐसे मैं राजस्थान घूमने गया था एक्चुअली जैसे मैम का एक्चुअली मैटरनल घर है राजस्थान तो मुझे राजस्थान के बारे में थोड़ा खबर रेगुलर मिलता रहता है तो ये आपका उदयपुर में एक बार बस पे चढ़े तो एक राजपूत जबरदस्ती कर रहा है लोकल इसको कि भाड़ा नहीं देगा वो राजपूत है उसको बेनिफिट देना चाहिए वैसे बेसिकली उसके पास पैसा नहीं है तो अपना राजपूती चाल ढाल दिखा रहा है तो ये थोड़ी ना चलेगा सर ठीक है तो किसी भी तरह का टाइटल का इस्तेमाल करके उसका बेनिफिट करना खुद को बेसिकली एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिलवाना ये नहीं चलेगा सर प्रोहिबिशन मतलब आज के डेट में जो मूची मेथर के घर में भी जन्मा है उसका भी जो राइट है और जो राजा के घर में जन्मा है ठीक है उसका भी वही राइट है सर वही राइट है सेम राइट्स ठीक है प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन आप किसी को रिलीजियंस के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ठीक है बार बार बोल रहा हूँ इसमें कश्मीर के जैसे मुद्दा सबसे भयंकर मुद्दा है बिकॉज वहां पर रिलीजियन मुद्दे पे ही डिस्क्रिमिनेट किया गया जो माइनॉरिटी है उनको ठीक है कहीं पर भी ऐसा हो ठीक है कहीं पर भी ऐसा हो जहाँ हिंदू मेजर है वहाँ मुस्लिम के साथ खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका फेथ अलग है ठीक है और जहाँ मुस्लिम मेजर है वहाँ पर अगर हिंदू रहते हैं तो वो हिंदू के साथ भी खराब नहीं होना चाहिए मेरे तो मुझे तो ये बोलना है कि सर कश्मीरी जो भी लोग हैं कश्मीर के उनको इमिडिएटली सॉरी बोलना चाहिए और जितने लोगों को वो भगाया था उनको पैर पकड़ के बेसिकली सॉरी बोल के घर पे लाना चाहिए तभी जाके शांति स्थापन होगा बिकॉज गलती सुधारना चाहिए जहाँ पर भी हो ठीक है नहीं तो बाकी भारत में कहीं पर भी मुश्किल हो सकता है क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा गलती जो भी करेगा किसी के भी भड़काने पे करे वो भी मैं आपको बताता हूँ भड़काना भी एक्चुअली भड़काना जिसको बोलते हैं भड़काना का मतलब क्या जानते हो वो भी संविधान आपको मना करता है इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस ठीक है ये देखो परमिशेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप भड़काओगे इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस उसका नहीं ठीक है जिसको हम लोग बंगाली में बोलते ना उसका नहीं तब उसका नहीं सकते आप किसी को भी ठीक है पाकिस्तान ने उसकाया तो आप लोग भी पीछे लग जाओगे क्या भारतीय के मतलब हिंदुओं के ऐसा थोड़ी होता है तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन रेस इमीडिएटली ये चीज कश्मीर इशू सॉल्व होना बहुत जरूरी है बिकॉज वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा देश की इंटीग्रिटी का तो जब तक नहीं होगा ना पर इसको सभी पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज को एक होके काम करना चाहिए पॉलिटिक्स नहीं करके अगर बीजेपी के जमाने में होगा तो उनको लगता है कि बीजेपी को क्रेडिट मिल जाएगा यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं है ह्यूमैनिटी एस्टेब्लिश करने का बात है लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी के जमाने में भाई कांग्रेस का जमाना करो कांग्रेस का तो जमाना कितना गया कांग्रेस ने किया क्यों नहीं उल्टा सबको चुप करा दिया तभी तो लगता है ना कि भाई आप जाति भेद कर रहे हो जिसके साथ भी गलत होगा उसको रिस्टोर करो गलतियों को रिस्टोर करो उसको मतलब जबरदस्ती से बोलते हैं ना साग दिए कि माँ झाका जाए कभी पॉसिबल नहीं है आप वेजिटेबल से कभी भी फिश को ढक नहीं सकते बिकॉज फिश का अलग ही एक खुशबू होता है वो ऑटोमेटिक बाहर आएगा तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को दबा नहीं सकते मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप किसी के साथ भी कोई भी जाति के साथ नहीं कर सकते ये मॉडर्न भारत है ये 47 के पुराना भारत नहीं है जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान अलग हुआ था वो भारत नहीं है बांग्लादेश पाकिस्तान तो अपने आप को क्या बनाए आप लोग देख ही रहे हो ऐसा देश नहीं बनाना है हमें तो अगर नहीं बनाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम ह्यूमैनिटीज के मुद्दे पे धर्म को साइड पे रख के एक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहिए चाहे रूलिंग पार्टी कोई भी हो मैं तो ये बोलूंगा कि बाकी पार्टीज रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करे और बोले कि भाई जो गलती हुआ उसको रिस्टोर करे तब जानूंगा कि रियल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा इसमें बीजेपी को क्रेडिट मिलेगा कम्युनिस्ट को कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिलेगा इस तरह का सोच खराब है जस्टिस दिलाओ ना तभी तो मानेंगे ना कि हाँ जस्टिस हुआ है
रेस, जाति, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन कहाँ जन्मा है, कौन छोटा जाति का है, कौन नीचा जाति का है। भारत का प्रॉब्लम जाति भेद से उठ गया है अभी, मतलब हम लोग जात से उठ गए, मतलब नीचा जात छोटा जात से काफी ऊपर आ गए। अभी भी गांव साइड में बहुत ही हार्डकोर एरिया में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश साइड में कहीं कहीं थोड़ा दिखता है, राजस्थान में भी हल्का फुल्का, हरियाणा में थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है, मतलब 10% होगा, 90% नहीं है, बट स्टिल रेस कास्ट का प्रॉब्लम अभी भी हमारे देश में है, बट बहुत ही कम है, इससे भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। सेक्स, मेल फीमेल प्रॉब्लम, इससे भी आगे बढ़ना चाहिए, ये भी अभी भी मुद्दा है सर, सिटी में रह के नहीं समझ पाते, मेल फीमेल के बीच में भी भेदभाव है हमारे देश में, ठीक है, इससे भी मतलब अभी भी बहुत सारा स्टेट है कि लड़का हुआ तो खुश, लड़की नहीं हुआ तो खुश नहीं है, इवन लड़की का मतलब जो लड़की बच्चा अगर पहले से पता चल जाए तो मार दिया जाता है, तभी लड़कियों का कमी भी है हमारे देश में, ठीक है। तो आज भी बहुत सारे एडुकेटेड लोगों को भी मैंने देखा, एडुकेशन से ये सब मैटर नहीं करता, ह्यूमैनिटी से मैटर करता है, डिग्री से मैटर नहीं करता, कितने एडुकेटेड लोगों को देखा जो फीमेल पसंद नहीं करता, मेल ही पसंद करता है, लड़का को ही चाहिए। तो एडुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, इम्पॉर्टेंस इज ह्यूमैनिटीज, आप इंसानियत मत भूलो, बाकी चीज भूल जाओ, वही संविधान का आधार है, इसलिए मैं आपको शुरू से बोल रहा था कि आप पूरा संविधान पढ़ते रहो, आपको इंसानियत समझ आएगा। अब उसको आप कोई धर्म का नाम देना चाहो ना चाहो, फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सोचते हो कि ये क्रिश्चियनिटी ने कहा है, अगर आप सोचते हो कि ये हिंदुइज्म ने कहा है, अगर आप ये सोचते हो कि बुद्धिज्म ने कहा है, अगर सोचते हो कि इस्लाम ने कहा है, तो आप ही सही, लेकिन संविधान ह्यूमैनिटीज का बात करेगा, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अभी अफ्रीकन नेशंस में, साउथ अफ्रीका में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिम्बाब्वे में अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, अछूत, ठीक है, वही छोटा जात, अरे भाई तुम जाति में छोटे हो, हम ब्राह्मीन हैं, यही लोग तो खत्म कर दिया, विथ ऑल रेस्पेक्ट टू द ब्राह्मीन रिलीजन सरनेम यूज करने वाले, ठीक है, ठीक है, जो ब्राह्मीन सरनेम यूज करते हैं, सभी को विथ ऑल रेस्पेक्ट, बट ये ब्राह्मीन कास्ट ना हिंदुइज्म का, मतलब इंडियन का जो हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट को ना लूट लिया सर, इतना इसको मिसकॉन्सेप्चुअल किया अपने फायदे के लिए कि अनटचेबिलिटी इन्होंने पैदा कर दी, ऐसा कभी था ही नहीं। वर्ण वर्ण प्रथा जो है ना, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम का मतलब एक्चुअली पुराने टाइम पे कर्म के हिसाब से वर्ण होता था कि भाई तुम एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हो तो तुम राजा के जैसा काम करोगे, तुम ब्राह्मीण हो तो तुम शिक्षक बनोगे, तुम श्रमिक हो तो फिर तुम शूद्र श्रेणी के रहोगे, शूद्र का मतलब श्रमिक है, सभी कोई श्रमिक है सर, जो भी मेहनत करते वो दे ऑल आर शूद्र, शूद्र का मतलब यही होता है, शूद्र मतलब छोटा जाति नहीं होता, राजा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं, आज के डेट में आईपीएस आईएएस, मिनिस्टर मतलब जो आज के डेट में राजा का रोल निभाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो सलाहकार होते हैं वो ब्राह्मीन होते हैं, जो टीचर्स है स्कूल में कॉलेज में, दे आर बेसिकली प्लेइंग द रोल ऑफ ब्राह्मीन, ब्राह्मीन का मतलब होता है हु होल्ड ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, जिनके पास नॉलेज हो वही ब्राह्मीन है, और जिनको ब्रह्मांड का ज्ञान हो वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मीण का मतलब सो कॉल्ड टाइटल लाइक चक्रवर्ती, बैनर्जी, चैटर्जी, भादुड़ी, दीज आर नॉट द टाइटल ऑफ ब्राह्मीण, ब्राह्मीण का मतलब ये है, टाइटल तो कर्म से आता है, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णाश्रम प्रथा, इसको भी मिसअप्रोप्रिएट किया गया, क्यों, ब्राह्मीण ने गलत किया, लूटा लोगों को, समाज में अनटचेबिलिटी क्रिएट किया और हिंदुइज्म का धज्जिया उड़ा दिया। क्या आज के डेट में समाज में ब्राह्मणिज्म नहीं है, जो सलाहकार है, जो सरकार को, गवर्नमेंट को, मिनिस्टर को सजेस्ट करते हैं, उपदेश देते हैं, वो तो ब्राह्मण का ही काम करते हैं, जो सरकार चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो राजा का काम करते हैं, जो समाज में गंदा साफ करते हैं, हाँ, जो ड्रेन साफ करते हैं, वो शूद्र श्रेणी के ही तो हुए, जो समाज में रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, तो क्या शूद्र लो जात हो गया, नहीं, आप अपने कर्म के अनुसार कहलाते थे उस जमाने में, शूद्र कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट लोगों ने इसको गलत तरीके से अप्रोच किया, समाज के अंदर कोई अपना रुतबा दिखाना, हाँ बोलो, कोशिश तो रखो, हाँ रखना, तो जो कास्ता के तले रख, हाँ असल में हमारे दीदा हॉस्पिटलाइज तो टू जाबो, अच्छा ठीक है सर, अच्छा रखता है, तो यहाँ से एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये चीज
संविधान ने बोला, ठीक है। तो ये समझना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो एससी एसटी आज के डेट में है, ठीक है, ये भी धीरे धीरे हट जाना चाहिए, बिकॉज समाज में काफ़ी सुधार आ गया है। इवन रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यूनाइटेड नेशंस का, कि भारत अभी गरीबी रेखा में नहीं है। खबर देखा आप लोगों ने? एक रिपोर्ट आया, इंटरनेशनल रिपोर्ट आया, कि इंडिया का पॉवर्टी लेवल में अभी भारत सीवियर पॉवर्टी लेवल में नहीं है। ये देखे जी इस खबरटा किसी ने भी? ना सर। ना सर, रिसेंट रिपोर्ट है, खबर किया करो, ठीक है। तो काफी डेवलप हुआ कि हो गया है, और जो भी जितना भी बेसिकली इस तरह का है वो सब हट जाएगा। अब मेरिट के बेसिस में सभी को जॉब मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट पहले भी बोला हुआ है, लेकिन हाँ जो पिछड़ा हुआ है उनको आगे लाने के लिए भी संविधान में बोला हुआ, कि जो पिछड़ा हुआ मतलब जिसको पहले बेनिफिट नहीं मिला था, जो पहले समाज में पीड़ित थे, ठीक है, वो चीज़ में सुधार लाया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, आर्टिकल 14 of the constitution says the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India, theek hai, ye article 14 kehta hai, jaise ki 14 guarantees to every person to right to equality before the law or the equal protection of the laws. The expression equality before the law, which is borrowed from English common law, is a declaration of equality for all person within the territory of India, implying thereby the absence of any special privilege in favor of any individual. Every person, whatever be his rank or position, is subject to jurisdiction of the ordinary courts. The second expression, the equal protection of the law, which is based on the last clause of the first section of the 14th amendment of the American Constitution, directs that equal protection shall be secured to all person within the territorial jurisdiction of the union in enjoyment of their rights and privileges without any favoritism or discriminations. Article 14 applies to all person and is not limited to citizens. A corporation with his juristic person is also entitled to benefit of this article. चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1951, सुप्रीम कोर्ट का केस बना था, ठीक है। तो इस तरह से प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है, कुछ कारण पे इसको प्रोहिबिट भी किया जाता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ बताया, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। मस्ट प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिएगा, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स सेक्शन आर्टिकल 18 में बोला है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटीज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम, ये 6 फ्रीडम सुन के आप जाइए, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसिबली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म्स एसोसिएशन और यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन संभाल सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं विथ टू सम स्पेशल एक्सेप्शंस, जैसे कि सिक्किम में थोड़ा बहुत मुश्किल है, कश्मीर में वो प्रॉब्लम चला जाएगा, ठीक है। तो किसी किसी जगह में थोड़ा स्पेशल प्रोविजंस है, बट 99% एरिया में प्रॉब्लम नहीं, 2-4 जगह में प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम भी चला जाएगा। तो सर ये रहा आज का डिस्कशंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक क्लास लगेगा कॉन्स्टिट्यूशंस पे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस का मैटर भी बोल दूंगा। नाउ टेल मी प्लीज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चौथा संवाद, ओके शालिनी, यस सर, बाय सर, ओके सर, टाटा, यस सर, यस सर, बाय सर, ओके सर, बाय राक्षी सर, ओके, टाटा, सर।